हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ बदादिच जूलॉजी फैकल्टी टीम सीएलसी, आपका दंगल सिक्स का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, यहाँ ये तीन स्टेटमेंट है यहाँ आपके सामने, उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट के रूप में देखना है या नॉन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको अपन देखते हैं। पहला देखो, यहाँ तीन कथन दिए गए हैं। मेंडल के लक्षणों की वंशागति पर किए गए कार्य 1868 में प्रकाशित किया था। ये पहला लाइन ही यहां पर क्या हो गया, रॉन्ग। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस कैरेक्टर 1868, यहां आएगा 1865। आपने देखा होगा बेटा कि जो मार्गन का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है उससे पहले प्री मेंडल और मेंडलिज्म के बारे में बताया हुआ है, और वहां पर लिखा हुआ है स्पष्ट एनसीईआरटी में कि मेंडल ने जो वर्क पब्लिश किया था वो 1865 में किया था। और मुझे उम्मीद भी है ये चीज़ें आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में ही है, तो अब अच्छी खासी तैयारी के साथ आप आगे चल रहे हैं, इसलिए पहला तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकेंड है, द कंडक्ट हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पाइसन सैटिवम फॉर द 7 ईयर्स। देखो बिल्कुल सही बात है, मेंडल ने 1856 से 1863 तक पाइसन सैटिवम पर काम किया था। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा ये 2017 नीट में आया हुआ प्रश्न भी है, आपको मालूम होगा इसमें स्पेशली सन पूछा गया था, हमने यहाँ स्टेटमेंट में इसको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद पुरानी जंगली गायों का प्राकृतिक चयन, बेटा यहाँ पर आर्टिफिशियल होना चाहिए, कृत्रिम होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। क्या नेचुरल सिलेक्शन के कारण ये स्टेटमेंट गलत हुआ? ध्यान रखे, जब भी आप करने बैठते हो एग्जाम में तो ये जरूर ध्यान रखा करो कि किस कारण से वो गलत हो रहा है, थोड़ा सा इतना सा ध्यान रख लेना तो सिली मिस्टेक नहीं होती है उससे। तो आप देखते हो इसमें तो किस कारण से है, ये पॉइंट से गोला कर दिया आपने, फिर उसके बाद में कौन सा गया यहां पर, नेचुरल सिलेक्शन के कारण गलत हुआ, तो इससे और उसी दौरान यूं कर दें जैसे क्या है कि आपके दिमाग में दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि टाइम को बचाना बहुत जरूरी होता है। अब देखो यहां से क्या है, पहला यहां है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, पहला तो आपके सामने रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड आर करेक्ट, देखो फर्स्ट आपके पास फिर गलत है, ओनली स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, आपके पास बिल्कुल सही है कि उसने 7 साल 1856 से 1863 तक काम किया था उस पर, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा चला गया बेटा, थर्ड। और मुझे उम्मीद है गलत भी नहीं हुआ होगा, इसमें कोई सिली मिस्टेक वाली बात नहीं थी। अगर गलती से सिली मिस्टेक हुई है तो आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपने देखा एनसीईआरटी के पेज को जैसे ही आप टर्न करेंगे, टर्न करते ही दूसरी लाइन में ही आपने देखा कि वहां नेचुरल सिलेक्शन की जगह आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और वहां पर लिखा हुआ है साहिवाल, तो इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए सिली मिस्टेक हो गई है, और मुझे उम्मीद है ये सिली मिस्टेक वहां नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट, सेलेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज। सबसे पहले जब भी आप ऐसे प्रश्नों को करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक मैनर से मालूम होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है और लिंकेज क्या होता है। देखो क्रॉसिंग ओवर आप जानते हैं, यहां रिकॉम्बिनेंट के रूप में करते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, अगर ये आपको मालूम है क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज हो रहा है तो निश्चित मान के चलो यहां से लिंकेज क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अब क्या है, देखो आपने पढ़ा मेंडल के क्रॉस ए और क्रॉस बी को, मैं ध्यान रखना नीट में इनके अलावा अगर एग्जामिनर बना सकता है वो पॉइंट भी यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्रॉस ए में क्या किया था, इसने कैपिटल वाई या स्मॉल वाई या जैसे डब्ल्यू लिया इसने, यहां पर आपने देखा क्रॉस ऐसा पहला था, यहां मान लेते हैं हम जैसे कि मान लो ये फीमेल, और मेल के लिए आपको मालूम है एक वाइल्ड फॉर्म में यहां प्लस और ये प्लस लिया था। देखो जीन यहां पर बिल्कुल क्या है, पास पास में है, जबकि क्रॉस बी में आपने देखा यहां पर और यहां पर आप देखते हैं तो यहां कौन सा हुआ बेटा, देखो यहां पर आपने देखा आई का कलर लिया और विंग्स का साइज तो मिनिमाइजर के रूप में लिया, और वही सेम आपने देखा डब्ल्यू और एम, ये मान लो आप फीमेल के लिए। अब मेल के लिए क्या है, यहां पर आपको मालूम है यहां पर वही डब्ल्यू प्लस और एम प्लस और यहां पर ये, तो थोड़ा दूर मान लेना
अब देखो इस वाले जीन में और इस वाले में आप देखते हो तो काफी दूरियां हैं। इसका मतलब दूरी ज्यादा होगी, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जहां दूरी आपको ज्यादा नजर आ रही है वहां क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब आपको मालूम है, इतना तो मालूम होना चाहिए बेटा कि क्रॉस ए में पेरेंटल को जो करेक्टर है वो कितना आया था, 987। देखो याद रखना कैसे, कि जैसे मान लो 10 के बाद 9 आए, फिर 8 आए, फिर 7 आए। अब देखो यहां लगाया आपने पॉइंट, और रिकॉम्बिनेंट कितना हुआ, क्योंकि जीन बिल्कुल पास पास में तो लिंकेज ज्यादा होगा तो पेरेंटल करेक्टर ज्यादा होंगे। और दूसरी कंडीशन में आपके पास क्या बन रहा है कि रिकॉम्बिनेशन इतना कितना है, 1.3। अब आप अच्छी तरह समझ गए कि पहला क्रॉस भी यहां इस क्वेश्चन से अपन ने सॉल्व किया है। इसमें क्या था क्रॉस दूसरे में आपने देखा, जब ये थोड़ा ट्रिक से याद रखना, 7 देखो यहां खत्म हुआ ना, अब यहां 6 से स्टार्ट करो, 6 आपने देखा यहां 6 आया, फिर 2.8, ये हो गया पेरेंटल के। अब पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन या दूसरा दोनों देख रहे हैं आप, तो पेरेंटल कैरेक्टर कितने आ रहे हैं, 62.8 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जीन यहां आपको मालूम है दूर दूर है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन जो हुआ है वो कितना, 37.2, तो ज्यादा हुआ है। मतलब इस प्रश्न को देने का मतलब भी यही है कि आपको क्रॉस ए और क्रॉस बी दोनों अच्छी तरह आने चाहिए, और पेपर सॉल्यूशन का मतलब भी यही होता है बेटा। हम क्यों यहां सॉल्यूशन करवाते हैं कि एक प्रश्न से आप चार तरीके के प्रश्न निकाल सको। भाई एक तो देखो ये हो गया, और एक प्रत्येक ऑप्शन से किस टाइप का प्रश्न बन सकता है वो मालूम होना चाहिए, और इसमें आपको मालूम चली गया कि ये इस प्रकार से है। तो इसका मतलब क्या है, देखो लिंकेज इंक्रीज हुआ, क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज एंड रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज। देखो क्रॉसिंग अगर डिक्रीज है तो ये भी डिक्रीज होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो इस कारण से गलत हुआ। क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज हुआ है तो निश्चित है यहां लिंकेज डिक्रीज की स्टेप है, तो इसका मतलब ये इसलिए गलत हो गया है। सॉरी सॉरी इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन, यहां पर देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन लिंकेज इंक्रीज एंड क्रॉसिंग ओवर, तो आपको मालूम है ये रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहा है तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ना चाहिए। अभी इसमें मैंने ये तो समझाया है कि डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ा ना, आपके पास देखो कितना आया 37.2, और यहां कितना आ रहा है 1.3 आ रहा है। तो इफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन डिक्रीज है देन द लिंकेज इंक्रीज, और क्रॉसिंग ओवर आप जानते हो, ये देखो क्या कह रहा है, ये आपको मालूम है कि अगर लिंकेज इंक्रीज हुआ है तो ये तो कम होता है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन अगर कम होगा तो लिंकेज आपको मालूम है वहां पर ज्यादा की स्टेप की कंडीशन चेंज करेगा। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पर यदि दो जीनों के बीच की दूरी क्या हो, कम है तो सहलग्नता बढ़ेगी और क्रॉसिंग ओवर की स्टेज यहां पर कम। तो इसका मतलब आप समझ गए बिल्कुल, जो अपन यहां समझे थे उसी के अकॉर्डिंग आपके पास आ रहा है। फिर देखो यदि स्वतंत्र अफ्यूहन इंक्रीज है तो क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्समेंट इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन बढ़ा तो क्रॉसिंग ओवर कम हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे उम्मीद है आपने ध्यान रखा बेटा, ये तो आपको आप मालूम ही होना चाहिए। इसके अलावा ये थोड़ा सा याद रखना, क्रॉस ए और क्रॉस बी में पेरेंटल कितने हैं, रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, दोनों का आप रेशो अच्छी तरह याद करके जाएं। तीन स्पेशली करेक्टर लिए, आपको मालूम है बॉडी का कलर लिया है, उसके बाद विंग साइज वाला है, उसके अलावा आई कलर लिया है, उसके आधार पे आप आंसर निकालेंगे। मैं समझता हूँ इससे अगर आया तो निश्चित है आपका वो प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा, और आंसर कौन सा लग गया, 3 नंबर। अब देखो नेक्स्ट बेटा, यहाँ पूछा गया कि थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया जो है उनमें मतलब समस्या का कारण आप देखते हैं और उसमें से क्या ढूंढना है बेटा, यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो अब पहले ही मैंने कहा था जो पूछा गया है उसको आप अंडरलाइन करो, गोला कर दो उसको, कर दिया, और यहां पर आपने देखा गलत पूछा गया तो दिमाग में गलत वाली चीज चलनी चाहिए। अब देखो पहला क्या कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया होता है वो ग्लोबिन श्रृंखला के संश्लेषण की गुणात्मक त्रुटि के कारण होता है। एनसीईआरटी में स्पष्ट लाइन लिखी हुई है, आपने देखा होगा म्यूटेशन, उसमें लिखा हुआ है क्लासिकल एग्जाम्पल, तो पॉइंट म्यूटेशन के रूप में वहां एग्जाम्पल आता है। तो देखो यहां पर क्या है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, इज ड्यू टू द, देखो यहां पर गुणात्मक रूप से मतलब क्या है, एक तरह से क्वालिटी है उसकी, तो इसका मतलब ये तो सही है। थैलेसीमिया इज ड्यू टू द लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन, आप अच्छी तरह जानते हो। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि थैलेसीमिया है तो आपको मालूम है यहां पर एल्फा और बीटा सेल से आता है,
अल्फा में देखो ट्रिक से याद रखना, अल्फा अब पी एबीसीडी में कितने पे आ रहा है बेटा, 16 पे आ रहा है, तो क्रोमोजोम नंबर यहां पर कितना आ रहे हैं 16 के कारण ये हो रहा है। और बीटा में देखो, बीटा में 1+1 बराबर देखो यहां 11, ऐसे याद रखना, बी कितने पे आता है 2 पे, और 1+1 बराबर 2, तो 2 के मतलब यहां 11 आप याद रखना, ये क्रोमोजोम्स के कारण होता है। अब इनमें आपको मालूम है 4 एलील की स्टेप, 2 एलील की स्टेप है, तो वो कह रहा है कि टू लेस सिंथेसिस ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का मतलब ये भी सही है। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू द देखो क्वांटिटेटिव, या तो ये, तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर यहां पर गलत हो जाता है, और आंसर कौन सा चला गया, थर्ड। फिर भी अपन देखते हैं, बहुत आर एग्जांपल कौन, बहुत मतलब थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब गलत पूछा गया था, और इनकरेक्ट के आधार पर कौन सा आ रहा है बेटा, थर्ड आ रहा है। मुझे उम्मीद है काफी अच्छी तरह से आपने देखा होगा, सिली मिस्टेक के थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद देखो यहां पर देखो, ऑल द फॉइंग वॉल आर द कॉन्टेक्ट विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एसेप्ट, ये कह रहा है निम्न सभी कपाटों के भी ऑक्सीजन रक्त के संपर्क में एक को छोड़कर। आप देखो बेटा, ये हमारा दिल है, अब आपको मालूम है यहां पर ये वाला पॉइंट भाई, लेने वाला और देने वाला, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये पूरी बॉडी से ब्लड ले रहा है, ठीक है बेटा, ये पूरी बॉडी से आपके सामने ब्लड ले रहा है। अब देखो, अब इसका मतलब सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, अब आप जानते हैं यहां पर जो वॉल है, क्योंकि एक शॉर्ट टेक्स्ट बता देता हूं मैं, देखो कट हिज आईज लैब रेट, कट हिज आईज लैब रेट एज सेमी ल्यूनर फॉर्म, इसमें सारे वॉल्व आ गए हैं, अगर आपको याद नहीं था तो स्टिक से याद कर लेना। देखो आपने देखा कोरोनरी साइनस में थेबिसियस वॉल्व, इसका मतलब हार्ट से रिलेटेड है, इसमें स्पेशली आपको मालूम है इम्प्योर ब्लड है। दूसरा है सुपीरियर वेना के यहाँ में हेविसियन वॉल, जो कि हमारे में इतने डेवलप्ड नहीं है। आई में इन्फीरियर में यूस्टिकियन वॉल, इसमें फिर से ही आपको मालूम है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखो यहाँ पर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, तो देखो यहाँ पर क्या है, बाई कैस्पिड या मिट्रल वॉल, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये है राइट एट्रियम में ट्राइकैस्पिड वॉल्व, और एज सेमिनुलर आगे जो बच गया जो है। अब देखो इसमें वो कह रहा है इनमें डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी हाल ही में देखा बेटा इसमें डिऑक्सीजनेटेड है, इसमें डिऑक्सीजनेटेड इसके पल्मोनरी पार्ट में, यूस्टिकियम अभी हाल ही में बताया है, मिट्रल वॉल किसमें आ गया, एज ए लेफ्ट ए और वी के बीच आ रहा है, और उधर से प्योर ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब मिट्रल वॉल को ही क्या बोलते हैं आप, बाई कैस्पिड, तो आंसर कौन सा चला गया, 4 को छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर बाकी में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है। याद रखिए एक बार दोबारा, अगर मान लो कोई याद नहीं हो रहे हो तो बेटा ये ट्रिक से याद करना, क्योंकि अपने पास प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, थोड़ा तरीके से देखोगे तो बिल्कुल सही सा मामला सेट हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट ए बी सी तीन दिए हुए हैं बेटा, तो देखो यहां पर क्या है, लाइक ए पोर्टल वेन डज नॉट कैरी ब्लड डायरेक्टली टू द हार्ट बट फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इज अनदर और इंटरमीडिएटेड ऑर्गन बिफोर द रीचिंग द हार्ट। आप जानते हैं कि पोर्टल वेन सिस्टम जो होता है, क्योंकि और दूसरा क्या कह रहा है, द टू पोर्टल सिस्टम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेपियंस या ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही बात है। द टाइमिंग ऑफ द जॉइंट डायस्टोल अप्रोक्स 0.4 मिनट, अब देखो बेटा टोटल ही कॉर्डिक साइकिल में टाइम लगता है आपको मालूम है कितना, 0.8 सेकेंड, जिसमें से आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि किसी चीज को भरने में ज्यादा टाइम लगता है, ये डायस्टोल और ये सिस्टोल, यहाँ 0.7, ये एट्रियल ये वेंट्रिकल मान लो 0.7 है, और यहाँ 0.1, और वेंट्रिकल में कितना हुआ 0., यहाँ पर कितना हो गया यहाँ 5, और यहाँ 0.5 हो गया, और यहाँ 0.3, तो देखो डायस्टोल में टाइम दोनों में लग रहा है, सिस्टोल में कम लग रहा है, तो ये तो वैसे भी क्या है 0.4 दे रखा है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब मैं दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो एक निमाई का सिरा रक्त को पूर्ण प्रत्येक हृदय वहन नहीं करती, लेकिन वह हृदय में पहुंचने से पहले मध्यस्थ अंगों का जाल बनाती है, बिल्कुल देखो आपने देखा ये हमारा एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, यहां से अलग अलग जगह से ब्लड को कलेक्ट कर लिया,
समझ रहे होंगे, अलग अलग मतलब स्प्लीन है, स्टोमक है वगैरह है या इन स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहां पर कौन सा बन गया हेपेटिक पोर्टल वेन के रूप में। अब यहां ये पूरा सिस्टम क्या है, हेपेटिक पोर्टल तो हमारे में दो ही तो है, और दूसरा देखो आपने देखा हाइपोफाइजियल, मान लो ये हमारी ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब यहां से आपने देखा होगा कौन सा, आपने देखा होगा बेटा 22.1 नंबर वाला डायग्राम एनसीईआरटी का, वहां आपने देखा होगा ये सर्कुलेशन इससे होता है, फिर बाद में ही इनका इंटरेक्ट होता है। तो कहने का मतलब हर्ट के पास जाने से पहले किसी दूसरे ऑर्गन के पास आते हैं, तो एक तो होता है कौन सा यहां पर हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, और एक होता है कौन सा यहां हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हमारे में दो पोर्टल सिस्टम है, ये दोनों ही आपको मालूम है सही है और ये गलत है, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट है, और मुझे उम्मीद है गलत नहीं हुआ होगा, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, यहां पर आपके पास फर्स्ट ही आंसर चला जाता है, मुझे उम्मीद है आपका सही गया होगा। फिर देखो नेक्स्ट, अब है इन मीरोमायोसिन द ग्लोबुलर हेड। सबसे पहले बेटा आपको मालूम है यहां एक तरह से इस प्रकार का एनसीईआरटी में आपने देखा एक डायग्राम, अब यहां देखो एटीपेज टाइप है, बाइंडिंग साइड है, यहां ये हेड है और ये यहां पर इसकी आर्म वाला पार्ट है और ये यहां टेल है। अब आप जानते हो इसकी यूनिट क्या है, मीरोमायोसिन। अब ये कौन सी होगी, हेवी मीरोमायोसिन, क्योंकि यहाँ हेड और आर्म वाला स्ट्रक्चर है, और यहाँ हो गया लाइट मीरोमायोसिन क्योंकि टेल है। अब देखो क्या पूछ रहा है किसमें कि कौन सा मीरोमायोसिन का पार्ट हेड से रिलेटेड। अब देखो हमने क्या देखा, इट कंपोनेंट हेवी मीरोमायोसिन, मैंने अभी लिखा है हेवी मीरोमायोसिन है, इट हैज एक्टिव एटीपेज साइट, बिल्कुल आपको मालूम है यहाँ पर हैज बाइंडिंग द एटीपी, बिल्कुल सही बात है, हैज बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन, बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहां से क्या है, क्या इट इज ए कंपोनेंट ऑफ लाइट मीरोमायोसिन, बेटा ये है फिर तो हेड ही क्यों होता, फिर तो टेल होना चाहिए था, जिसका मतलब ई यहां पर गलत हो गया। कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 ये सारे सही है, ये केवल हल्का मीरोमायोसिन का भाग है, गलत हो गया बेटा, इसका मतलब ई को छोड़कर सारे सही हैं। तो ए बी सी यहां पर बी सी डी ई गलत हो गया, ए बी सी डी ये आ गया, तो इसका मतलब आंसर आपका कौन सा चला गया बेटा, थर्ड आंसर चला जाता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टाइप टू साइनोवियल जॉइंट एंड इट एग्जाम्पल, ध्यान रखना वेरी मोस्ट है, नीट में जॉइंट से प्रश्न आता ही है। अब देखो पहला बिटवीन टार्सल, देखो यहां पर कह रहा है विसर्पी संधि जो होती है, देखो वी शर्पल यहां इस प्रकार के रूप में आप देखते हैं, तो इसका मतलब कार्पल वाले पार्ट में आप देखते हैं, तो ये कौन सी है एक तरह से वी शर्पल प्रकार का हुआ। हिंज जॉइंट का मतलब क्या होता है, कब्जे में, जैसे मान लो मैं कहूं ये मेरे कब्जे में है, या यहां तक की जमीन मेरे कब्जे में है, मान लो मैं यूं कहूं मेरे यहां तक की जमीन कब्जे में है, इसका मतलब यहां पर ये कब्जे वाले बात मतलब हिंज जॉइंट वाला पार्ट बन रहा है ये वाला। और तीसरा क्या है, पाइवट जॉइंट, आप जानते हो रेडियस और एटलस और कौन सा आप जानते हैं एक्सेस वाले में, जैसे यस नो बोन वाला है, तो यहां पर ये वाला एटलस और यहां जो ऊपर वाला पार्ट है वो एग्जाम्पल आता है। तो अपन देखते हैं एटलस और एक्सेस के बीच कौन कौन सा है। देखो बेटा यहां पर ये वाला पहला टॉर्सस वाले में ऐसा नहीं है, फिर यहां ये वाला नहीं है, पॉइंट यहां पर बॉल एंड सर्किट ज्वाइंट होना चाहिए। देखो कैसे याद रखेंगे बॉल एंड सर्किट ज्वाइंट, बॉल यहां से पकड़ी मैंने, अब यहां से पकड़कर मैं बॉल यूं कर रहा हूं, तो इसका मतलब यहां वाला पार्ट आ रहा है, देखो यहां पांव में भी आपने देखा होगा पीछे जा रहा होगा, तो इसका मतलब यहां पर फीमर वाला पार्ट जो जो एसिटिबुलम के साथ है, और ये ह्यूमरस वाला पार्ट किसके साथ अटैच हो रहा है, यहां गैल्नॉइड कैविटी के साथ पार्ट हो रहा है, तो ये जॉइंट कौन से बने, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से याद रखना, ये वाले हो गए। फिर देखो नेक्स्ट यहां पर कौन सा है, ये एक तरह से कौन सा है, ग्लाइडिंग वाला पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया, मेरे कब्जे वाला पार्ट हो गया है, मतलब हाइंड जॉइंट हो गया है। और उसके बाद देखो सैडल जॉइंट के रूप में, आप देखो नोजी होती है वो अपन दो अंगुली से साफ नहीं करते, ये वाला पार्ट लेके यूज करते, तो इसका मतलब यहां से याद रह जाएगा सैडल जॉइंट में कौन सा आ गया, ये थंब वाला पार्ट है, यहां कार्पस मेटाकार्पस जो नाम दिया गया है इसके आधार पर नाम हो जाएगा एनसीईआरटी से, और मैं समझता हूं कि शायद देखो ट्रिक से अगर मान लो इजीली होता हो तो कर लेना चाहिए। अब देखो दूसरा, फिर दिया यहाँ फ्यूमर और एसिटेबुलम, इसका मतलब ये फिर गलत हो गया है। फिर उसके बाद में हिंज जॉइंट एल्बो जॉइंट, अब देखो आगे बाद की बात है, पहले अब स्टार्टिंग में गलत हो रहा है तो फिर उसके बाद आगे जाने, फिर बिटवीन द ऑसिपिटल एंड कॉन्डाइल एंटेरिक्स, बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पस ऑफ थंब, क्योंकि ये तो मैंने अभी हाल ही कहा है कौन सा होता है यहाँ, एज ए सैडल जॉइंट होता तो वैसे गलत हो गया, फिर यहाँ आया बिटवीन कार्पल, अब इसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही गलत हो गया। अब देखो बच्चा तुम्हारे पास एक बिटवीन द कार्पल जो मैंने बताया था, नी जॉइंट आप जानते हो यहां वाला हिस्सा जो आप देखते हैं पांव वाला, जैसे मान लो यहां से
भाई ये पाँव में भी सेम ऐसी कंडीशन है भाई, हाथ इधर आ रहा है तो पाँव उधर बोल्ट कर रहा है, तो हिंज जोन के रूप में आ रहा है, तो ये वाला हो गया। और बिटवीन एटलस एंड एक्सेस, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा चला गया, चार नंबर। ध्यान रखना बेटा, जॉइंट से प्रश्न बनने के चांस ज्यादा होते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहां से आया मैच द गोलक। आप अच्छी तरह जानते हैं नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, आलिंद जो भित्ति होती है उस पर क्या प्रेजेंट होता है, एएनएफ। इसका मतलब इसमें एक चला गया। कभी भी ऐसे मैच मत करवाना कि जैसे ये यूं आ गया और फिर इसके बाद में ये इस पे आ गया और फिर ये है ना इस पे आ गया और ये इस पे आ गया। हो सकता है बाय चांस ये तो ठीक है क्रॉस में ही हो रहा है, कई बार क्या होता है ऊपर नीचे लाइनें मिक्स हो जाती है, तो थोड़ा सा यूं ध्यान रखना। यहाँ एट्रियल है, फिर थायराइड में देखा आपने कौन सा है, यहाँ पर आपके पास कौन सा आ गया, ये फर्स्ट आ गया, उसके बाद में यहाँ पर आपके पास T3 T4 ये आ गया, पैराथायराइड में आपने देखा 2 आ गया, फिर GIT में आपके पास 4 आ गया, तो कौन सा 1 3 2 4। देखो 1 3 2 4 आपको इसी में नजर आ रहा है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। और वैसे भी अगर आप मान लो थोड़ा टाइम बचाना चाहते तो निश्चित आपको 2 में ही एक दिख रहा है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ से आंसर आपके पास 2 जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हार्मोन्स फॉर द फॉलोइंग विच बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहां पर आप ये मान लो मेम्ब्रेन है और वो मेम्ब्रेन के थ्रू ना आकर, आपको मालूम है वो मेम्ब्रेन के थ्रू ना आकर वो डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहा हो इंट्रासेलुलर पर, तो इसका मतलब स्टेरॉइड की बात कर रहा है। अंतःकोशिकीय ग्राही के साथ कौन सा है, देखो कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, उसके बाद में आपने देखा प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है और एल्डोस्टेरोन है। निश्चित बेटा देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 समझ गए होंगे, कॉर्टिसोल, स्टेरॉइड, टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, ये बाकी तो आपको मालूम है प्रोटीन नेचर के होते हैं, इस कारण से ये मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट होंगे, तो तुम्हारे पास कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। और मुझे उम्मीद है गलत भी नहीं हुआ होगा ये। उसके बाद देखो नेक्स्ट, गिवन द स्टेटमेंट चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। देखो फिर मैंने कहा था इनकरेक्ट आया तो इसका मतलब अंडरलाइन करो, आप इसमें असत्य कथन को पहचानना है और उसी के दौरान आप गलत है तो वहीं कर दो गलत, किस कारण से वो कर दो, लाइक पार्स इंटरमीडिएटा इज ऑल्सो नॉट मर्ज इन पार्स नर्वोसा। बेटा ये गलत हो गया, नर्वोसा में नहीं होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब नर्वोसा में नहीं है, वो एंटीरियर पार्ट में है। पहला गलत हो गया, मतलब ये मर्ज जो हुआ है पार्स नर्वोसा यहाँ इस कारण से गलत है। दूसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि सेला ट्रसिका में स्थित होती है, NCERT की लाइन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द सेला ट्रसिका, इसका मतलब ये सही है, गलत पूछा है ध्यान रख लेना। उसके बाद देखो ग्रेव रोग एक अधिवाहक ग्रंथि के कार्य नहीं करने पर होता है, देखो ग्रेव डिजीज कॉज टू द मल फंक्शनिंग ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, नहीं बेटा ये वैसे गलत हो गया है क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर क्या थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होता, तो इसका मतलब ये वैसे भी आपको मालूम है गलत हो गया एड्रिनल ग्लैंड आने से। फिर देखा बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक्स इन आवर बॉडी इज मेंटेन बाय पीनियल ग्लैंड, गलत हो गया, NCERT की लाइन है बेटा थायराइड में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पीनियल ग्लैंड नहीं है। तो इसका मतलब देखो पहला गलत हुआ, उसके बाद में तीसरा गलत हुआ, चौथा गलत हुआ, अब आगे देखो जो ना फेसिकुलेटाइज द कॉर्टिसोल हार्मोन, बिल्कुल आपको मालूम है एक ट्रिक है, जैसे मान लो हमने ये तीन पार्ट, पहला देखा यहां पर नाम आया कॉर्टेक्स वाले पार्ट का गो फॉर रेस्ट, है ना, गो फॉर रेस्ट, जोना ग्लोमेरुलस फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलेटिस, गो फॉर रेस्ट, और फिर मेक गुड सीड्स। अब देखो ग्लूको यहां ग्लोमेरुलस से मिनरोकॉर्टिकोकॉइड, फेसिकुलेटा से देखो ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड, ये मिनरोकॉर्टिकोइड और इससे सेक्स स्टेरॉइड ड्रूप होता है, तो इसका रिलेशन तो किससे, एल्डोस्टेरोन से, और इसका रिलेशन किससे, कॉर्टिसोल से, तो इसका मतलब फेसिकुलेटा आ रहा है ना, तो ये कह रहा है कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रेट बाय द जोना फेसिकुलेटा, ये सही हुआ। ग्लुकागोन एंड इंसुलिन आर एग्जांपल ऑफ एंटागोनिस्टिक हार्मोन पेयर, बिल्कुल सही बात है, क्या कि ग्लुकागोन, देखो आपको मालूम है एक ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है एक कम करता है, इसका मतलब ये भी सही हुआ, तो गलत पूछे हैं, तो इसका मतलब एक नंबर, तीन नंबर और चार नंबर किसमें दिखते हैं, 1 3 4 1 3 4, इसका मतलब इसका आंसर आपके पास कौन सा चला गया बेटा, 3 नंबर चला जाता है। मुझे उम्मीद है कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न आने के चांस पूरे पूरे हैं। फिर देखो नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो बेटा 5 से लिया, आप जानते हैं यहां पर पहला इसके साथ फोर्थ के साथ मैच हो रहा है,
कॉर्निया सी फेन आपको मालूम है ये थर्ड के साथ मैच हो रहा है, क्रिमिया ये कुंबर ये सेकंड के साथ मैच, और इकाइनस ये फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। पहले तो ये देख लो कि कोई ऐसा ऑप्शन हो जो कि बिल्कुल एक में ही आ रहा हो। जैसे आप देखो यहाँ पर पहले में फोर्थ नंबर आ रहा है, फिर दूसरे में थर्ड आ रहा है, तो यहाँ आपके पास देखो यहाँ तक ये वाला पार्ट हुआ, फिर सेकंड आ रहा है, इसका मतलब सेकंड आपके पास यहाँ आ रहा है, फर्स्ट आपके पास यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब दो नंबर आंसर आपके पास चला जाता है। इसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नॉलेज ही आपका काम में आने वाला है, क्योंकि आपको किसी भी एनिमल का दूसरा नाम क्या होता है, कॉमन नेम साइंटिफिक नेम बिल्कुल मालूम होना चाहिए बेटा, जिससे कि मैच हो सके। नेक्स्ट देखो, मेटामेरिज्म कैरेक्टर प्रेजेंट, जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए ना खंडी भवन, तो ध्यान रखना आपने देखा मोलस्का में एबसेंट है। आपको मालूम होगा 2019 में एक प्रश्न आया था कि दो तीन करेक्टर दिए हुए थे, उसमें दिया था मेटामेरिक सेगमेंट प्रेजेंट है, तो तीन ऑप्शन में मोलस्का मोलस्का और मोलस्का था, ये तीनों ऑप्शन मोलस्का पढ़ते ही गलत गए। अब आंसर क्या गया था उसका आपको मालूम होगा कि एनेलिडा आर्थोपोडा एंड कोडेटा, क्योंकि तीन में ये नाम मोलस्का जुड़ा हुआ था, इस कारण से मोलस्का वाला, और दूसरा इकाइनोडर्मेटा भी आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है। जब इतना मालूम चल जाए तो देखते ही हम क्रॉस कर देते हैं, देखो भाई किसी में मोलस्का आ गया, इसमें इसका मतलब गलत हो गया, इसमें इकाइनोडर्मेटा गलत हो गया, इसमें फिर इकाइनोडर्मेटा गलत हो गया, बचा क्या एनेलिडा आर्थोपोडा एंड कोडेटा, तीन नंबर आंसर चला जाता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, बस ये है कि यहां आपके पास बस एक ही करेक्टर बनाया है, वहां नीट में आपके पास दो तीन चार करेक्टर बना के पूछेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना, इसके आने के चांस पूरे पूरे हैं। अब तीन नंबर इसका आंसर चला जाता है। फिर देखो नेक्स्ट, यहां से सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट राइट द साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम के लिए सही कथन का चुनाव। पहला, श्वसन के लिए चार क्लोम दरारें, ये पहला ही गलत हो गया क्योंकि ये तो फिश में है, लार्वा कायांतरण से पहले समंदर में, बेटा समंदर से तो जाता ही, इसका मतलब ये वैसे गलत हो गया। साइक्लोस्टोम सर्कुलर होते हैं ना कि इसके इनलोकेटेड होते हैं, सल्क व युग्मित पंखों का साइक्लोस्टोम में अभाव, एनसीईआरटी की लाइन है स्केल्स एंड पेयर फिन आर एब्सेंट इन साइक्लोस्टोम, बिल्कुल चार नंबर सही चला जाता है। ऐसे प्रश्नों में टाइम वेस्ट करना बेकार है, देखते ही आंसर आ रहा हो तो थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, अब देखो आपके पास इनकरेक्ट है, इसका मतलब गलत ढूंढ रहा है। देखो, ब्लड वेसल्स ऑफ एंडोथेलियम, आपको मालूम है कि एनसीईआरटी का 101 नंबर पेज पर सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन आप देखते हैं तो वहां स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू मालूम है, मैट्रिक्स बताता हूं, यहां आएगा स्क्यूमस, इसको याद रखना, स्क्यूमस में जैसे मान लो इसको याद करना है, तो सक की बीबी असली, ये तो है एनसीईआरटी की लाइन। अब देखो सक मतलब क्या हो गया, स्क्यूमस, ब्लड वेसल्स एंड एयर सेक, ये सारा का सारा इससे आंसर चला जाएगा। तो देखो पहला है कि ब्लड वेसल्स, तो सल्क की उपकला तक, तो स्क्यूमस एपिथेलियल, ये तो करेक्ट हो गया, इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा गया है। दूसरा डक्ट ऑफ ग्लैंड, वही एनसीईआरटी के 101 नंबर पेज पे सेकंड पैराग्राफ की थर्ड और फोर्थ लाइन, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड आपको मालूम है ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन दोनों दिए हुए हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल, इसका मतलब ये भी सही हुआ। फिर पीसीटी में आपको मालूम है वहां 75 से 80% रीऑब्जर्व, तो वहां ब्रेस्ट बॉर्डर, यहां क्यूबॉइडल एपिथेलियल, तो इसका मतलब ये भी आपका सही है। अब तुम्हारे पास बचा ये एक ही आंसर है कि सलेस्मा जो कि बहुकोशिकीय होती है, जबकि गोब्लेट सेल हमेशा यूनिसेलुलर फॉर्म में होती है। बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम में आपने देखा होगा ऐसा डायग्राम दिया हुआ है अलग अलग रूप में, तो यहां आपने देखा कि गोब्लेट सेल किस में आ रही है और वो बहुकोशिकीय रूप में कौन सा आ रहा है, तो गोब्लेट सेल तो यूनिसेलुलर में है, ये कह रहा है मल्टीसेलुलर, यही यहां पर क्या हो गया रॉन्ग पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो यहां आंसर कौन सा चला गया चार। फिर देखो नेक्स्ट, यहां से सेलेक्ट द करेक्ट वन, इनमें से ढूंढना है कौन सा है। देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिनट टू स्किन, बिल्कुल सही बात है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यहां लिगामेंट होता, डेंस इनरेगुलर तो यहां स्किन की स्टेप होती है, हार्ड बोन में देखो बोन हार्ड है, ये नॉन यहां आता तो सही होता है, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब एक नंबर आंसर चला जाता है कि एरियोलर सहजी उत्तक त्वचा के नीचे होते हैं। ऐसे प्रश्नों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत देखते ही आंसर कर लेना चाहिए, जब मालूम है फर्स्ट ही आ रहा है तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लो यहाँ पहला और तीसरा या पहला या चौथा या पहला या और, तो फिर आप नीचे जाके देखें। उसके बाद देखो, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द पेरिप्लैंड अमेरिका, आपको मालूम है दो या एक प्रश्न कॉकरोच से आएगा ही आएगा, ध्यान रखना फेरिटूमा आता है तो केचवा और पेरी प्लेनेटा नाम आता है, तो इसका मतलब वो
कॉकरोच की बात कर रहा है, कॉकरोच से 100% एक प्रश्न आता ही है। अब देखो हमने सारे मिला दिए हैं, आप थोड़ा ध्यान देना। पहला कह रहा है अग्रपंख उड़ने में सहायता करते हैं, जबकि आपको मालूम है ये एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं ना कि उड़ने का, तो पहला तो गलत हो गया है। फोर विंग्स आर द हेल्पफुल इन फ्लाइंग, रॉन्ग। एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ द काइटिन, बिल्कुल आपको मालूम है ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये कई बार आ चुका है, ध्यान रख लेना। एक्सोस्केलेटन क्या बनाता है? काइटिन का। ब्लड इज ऑल्सो नोन एज हीमोलिम्फ, ये भी आपको मालूम है, बिल्कुल सही है। एनल सीरी ओनली प्रेजेंट इन मेल, बेटा एनल स्टाइल आता है यहाँ तो मेल करते हैं आप, जबकि एनल सीरी तो मेल प्लस यहाँ फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, इस कारण से ये आंसर गलत हुआ। मेल पिकी बॉडी आ गया, देखो थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं दिया सिली मिस्टेक, क्योंकि पढ़ने में हम क्या करते हैं मेल पिकी ट्यूब पढ़ लिया और लसी, वो सिली मिस्टेक होगी। अब यहाँ पर आपको मालूम है सिली मिस्टेक नहीं है, सिला मिस्टेक बन गया, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी बस, इसलिए गलत हो गया ये। तो यहां पर क्या है मेल पिकी काय जो आती है, तो इसका मतलब यहां पर ट्यूब्स आती तो, इसका मतलब नर की जगह नर और मादा आती तो सही होता। ये दोनों आपके पास सही हैं, तो इसका मतलब दो आपके पास यहां सही हैं। तो आंसर कौन सा चला गया यहां पर? दो। कौन कौन से दो सही हैं बेटा? मालूम चल गया ना आपको कौन कौन सा? बी और सी, मतलब यहां पर आपके पास ये वाला आंसर आता है, बाकी तो गलत हो गए हैं। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी सेंटर आर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। अब देखो हाइपोथैलेमस निम्न में से कितने केंद्र उपस्थित रखता है? हाउ मेनी सेंटर्स आर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस रिलेटेड टू द बॉडी टेम्परेचर, कई बार आ चुका है नीट में, ध्यान रखना। ऑल इंडिया पीएमटी में, स्टेट पीएमटी में, आपके बॉडी का थर्मोरेगुलेटर कौन सा? हाइपोथैलेमस आने के चांस है। दूसरा रिलेटेड टू ईटिंग, बिल्कुल सही बात है। रिलेटेड टू ड्रिंकिंग, बिल्कुल सही बात है। तीनों ही सही है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट है। शरीर के ताप का नियमन है, उससे संबंधित है, भूख से संबंधित है, प्यास से संबंधित है, तीनों ही सही है, इसका मतलब पहला आंसर चला जाता है। मुझे उम्मीद है इसमें कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। फिर देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूरल सेल इन रेटिना फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड? आपने एनसीईआरटी में देखा इन से आउटर पूछा गया। अब एक ट्रिक बता देता हूं, देखो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो ध्यान रखना आंखों से पबजी याद रखना है आपको, पबजी, और ये आउटर टू इनर याद रखना है, आउटर टू इनर थोड़ा याद रखना। पबजी मतलब समझ गए ना, पी फॉर फोटोरिसेप्टर बाइपोलर एंड गैंग्लियन। देखते ही देखो यहां कौन सा आंसर आएगा, यहां गैंग्लियन ही गलत हो गया, बाइपोलर गलत हो गया, फोटोरिसेप्टर, देखो पबजी बिल्कुल आपके सामने, तीन नंबर आंसर चला जाता है। यहां पर पी हो गया ये, यहां पर बी हो गया बाइपोलर, यहां पर गैंग्लियोनिक हो गया, इसका मतलब तीन नंबर आंसर चला जाता है, याद रखना पबजी के हिसाब से शॉर्ट में। उसके बाद और आउटर से इनर ये जरूर ध्यान रखना, इनर टू आउटर पूछे तो फिर बाद में आपको है ना जी फिर बी और पी करना पड़ेगा। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टू ईयर, कान से संबंधित कथन। तीन झिल्लियों के द्वारा कॉक्लियर को तीन भागों में विभाजित किया गया। देखो अब बेटा कोक्लियर में दो ही हैं, यहां पर बेसल मेम्ब्रेन हुआ और यहां रिजनस मेम्ब्रेन हुआ, इसका मतलब तीन से नहीं दो से आपको मालूम होना चाहिए, यहां दो आ जाए नीट में तो इसका मतलब ये सही है, अभी गलत है। वेस्टिबुलर उपकरण में केवल, देखो यहां केवल लग गया, सेक्युलस व यूटिकुलस उपस्थित होता है, नहीं बेटा वेस्टिबुलर एपरेटर में यहां पर सेमी सर्क्यूलर केनाल प्लस ओटोलिथ दोनों होता है, ओटोलिथ में सेक्युलस और दूसरा कौन सा यूटिकुलस, ये तो है यहां पर, और इसमें क्या होता है क्रिस्टा के लिए, यहां क्रिस्टा एम्पुलरिस पार्ट होता है आपको मालूम है, तीन इस कान में छह ये हो गए, और यहां मालूम है दो एक कान में दो तो यहां चार हो गए, टोटल कितने हो गए 10 की स्टेप आई। यहां पर एक और पॉइंट बताना चाहूंगा मैं, एक आ जाए एमएस और दूसरा सीडी, ध्यान रखना सी फॉर किस्टा है, और किस्टा हमेशा क्या करेगा आपके डायनेमिक डांस वगैरह जो आपका कंट्रोल होता है बैलेंस होता है वो करता है, और दूसरा कौन सा है एमएस मतलब मैक्यूला स्टेटिक बैलेंस करता है, तो एमएस और सीडी दोनों याद रखना। इसमें क्रिस्टा किसमें? सेमी सर्कुलर केनाल के रूप में, और मैक्यूला किसमें होता है? यूटिकुलस एंड सेक्युलस में, इसलिए यहां याद रखना स्टेटिक लिनियर एसिलेशन में काम करता है, इंपॉर्टेंट इसलिए बता दिया मैंने, तो ये आपको मालूम है केवल लिखा गया। और ध्यान रखना कान का काम मेन सुनने का नहीं है बेटा, बैलेंस बनाने का काम है, तो दोनों बैलेंस बता दिए मैंने और संख्या भी बता दी है, तो थोड़ा सा याद रखना ये यहां पर गलत हुआ। किस कारण से? यहां तीन के कारण, यहां पर केवल आने से गलत हुआ है। और देखो ऑडिटरी जो नर्व होती है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? एफरेंट।
यहां पर एफ रेंट मालूम है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक नंबर, दो नंबर और आठ नंबर वाली क्या होती है, एफ रेंट, इसको बोलते हैं सेंस। और मोटर कौन सी होगी है, देखो यहां पर मिक्स कौन सी होगी है, जैसे पांच, सात, नौ और दस, दस बोलते हैं तो मिक्स हो गया, क्योंकि ऑड और इवन नंबर आप जानते हो, मिक्स हो गया। अब उसके बाद बचा कौन सा हो गया, जैसे कि तीन, चार, छह, ग्यारह और बारह, यहां पर मोटर हो गया। स्पेशली आपको मालूम है ये कौन सा है, बोथ, ये सेंस प्लस मोटर है और ये केवल मोटर की स्टेप में होती है। तो आप समझ गए होंगे, एक नंबर ऑल्फैक्टरी, दो नंबर ऑप्टिक और तीन नंबर ऑडिटरी। और ऑडिटरी नर्व जो होती है वो कैसी है, सेंस, सेंस मतलब यहाँ एफरेंट, इसका मतलब तीन आंसर चला जाता है। और फिर ऊपर पूछा गया है ईयर से संबंधित वगैरह, रात्रि दृष्टि को प्रकाशनों की दृष्टि कहते हैं, तो ये तो ईयर से संबंधित नहीं, तो आंख से हो गया, वैसे ही गलत हो गया ये तो, ठीक है ना। तो आपका मतलब आंसर कौन सा गया बेटा, तीन नंबर, और मुझे उम्मीद है गलत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन टीथ। ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं कि मानव के दांत किस प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं 2-1-2-3/2-1-2-3, इसका मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब आप समझ गए कि पहला चीज है, फिर इसमें क्या होते हैं 2-1-0-2/2-1-0-2, ये मिल्की टीथ है और ये परमानेंट टीथ के रूप में आ जाता है। अब आप देखो, हिट्रोडोंट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कैसा है, डाइफाइलोडोंट, एक बार ये दो बार आए हैं ये मिल्की टीथ एक बार गिरने के बाद। फिर है थीकोडोंट, तो बिल्कुल सॉकेट में फिट होते हैं, तो ऐसे भी तो इसका मतलब दो नंबर आंसर चला जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसिस्ट ऑफ द सेमी सेमिनल प्लाज्मा एक्सेप्ट, निम्न सभी सेमिनल प्लाज्मा के घटक है को छोड़कर। अब देखो, आपने एनसीईआरटी में लाइन पढ़ी कि ये सेमिनल जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होते हैं, कैल्शियम होता है, उसके अलावा फैक्टोज होता है एंड सर्टेन एंजाइम। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसका मतलब आपके पास कौन सा नहीं आया, चार नंबर वाला इसमें नहीं आ सकता। मुझे उम्मीद है किसी का गलत भी नहीं हुआ होगा। फिर उसके बाद देखो, यहां से पूछा गया मेचेदा कॉलम में, देखो सबसे पहले पूछा फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटल। आपको मालूम है पांचवें महीने में यहां पर क्या होता है, मोमेंट करता है, इसका मतलब ए में दो। फिर है फीटल डेवलपमेंट लिम्स एंड डिजिट, आपको मालूम है यहां पर सेकेंड मंथ वाली स्ट्रक्चर में ही देखने को मिल जाता है। यह एम्ब्रायो का बीट होना फर्स्ट मंथ के एंड में मिल जाता है। सी में फर्स्ट की स्टेप है और बी में फोर्थ की स्टेप है और इससे ए में सेकंड की है। और फिर है फीटल बॉडी कवर्ड बाय, तो सेकंड आपको मालूम है मंथ की जगह यहां पर देखो ट्राइमेस्टर, सिक्स मंथ, आप समझ गए होंगे थर्ड की स्टेप यहां है। और आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि जो पहला आया दो, फिर चार, फिर एक, फिर तीन, इसका मतलब आप समझ गए होंगे पहला आंसर यहां से निकल जाता है। थोड़ा मैच करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आने के चांस ज्यादा है, थोड़ा ध्यान देना। देखो फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है, हृदय का धड़कना, इसका मतलब हृदय में भ्रूण का हृदय में निर्मित हुआ फर्स्ट मंथ के अंत में। उसके बाद में दूसरा कौन सा है, गतियां हैं, तो पांचवें महीने में आपको मालूम है गति हो जाती है, ये पांचवा महीना यहाँ हो गया है, तो इसका मतलब देखो ऐसे मैच करने में होगी ना मिस्टेक, इसलिए हमेशा ये संख्या सामने लिखना तो गलती होने के चांस 0% रहे। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मेंस साइकिल ऑफ 29 इन ए वुमन रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH लीड टू द मैक्सिमम लेवल कॉज ऑफ LH सर्ज विच इंड्यूस रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल देयर बाय कॉजिंग ओव्यूलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली स्टेट द रीजन फॉर LH सर्ज। एक महिला 29 दिनों में आवर चक्कर के बीच में LH को तेजी से स्रावित अधिकतम स्तर को ले जाती है जिसे LH सर्ज होता है। आप पहले तो देखो, यहाँ आपको मालूम होगा कि जैसे ये LH सर्ज 14वें दिन आपको मालूम है अंड उत्सर्जन होता है, तो LH सर्ज के कारण होता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे ये लाइन क्या कहना चाह रही है, जो कि एक ग्राफीन पुट्टी के टूटने को प्रेरित करता है जिसे अंड उत्सर्जन कहते हैं। LH सर्ज का मतलब ये है, यहाँ से ओम निकल रहा है। अब देखो पुटीर वाली स्टेज, कौन सा कथन जो LH सर्ज के लिए जिम्मेदार है या उसके लिए सही कारण हो सकता है। देखो पहला, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन फॉलिकुलर फेज टू लीड टू LH सर्ज, ये तो बात की बात है, इसलिए वैसे गलत हो गया। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ FSH इन सिग्नल टू हाइपोथैलेमस इंड्यूस द सेक्रेशन ऑफ LH पिट्यूटरी। देखो यहां पर, यहां वैसे भी ये FSH की स्टेप और LH की, ये वैसे गलत हुआ है भाई, हो ही नहीं सकता ना, ये तो पहले की स्टेज होगी। फिर देखो, इंक्रीज
द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। अब देखो यहां पर क्या आया, इंक्रीज एस्ट्रोजन सिक्रेशन। देखो यहां अगर इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन आता तो हम आगे देखते, लेकिन यहां एफएसएस आ गया इसलिए एस्ट्रोजन के कारण गलत हुआ। यह मालूम ही चल गया आपको इंक्रीजिंग द एस्ट्रोजन, यहां एस्ट्रोजन की फोलिकर के बाद, तो यह एलएस वो तो बाद की बात है कॉर्पस ल्यूटियम से। अब यहां पर देखो इंक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रेट बाय द ग्रोविंग फॉलिकल्स सिग्नल्स हाइपोथैलेमस टू द सिक्रेट ऑफ जीएन एंड थस द सिक्रेशन ऑफ एलएच बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। बिल्कुल सही है, यही है एक्सप्लेनेशन। फिर है द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज इंड्यूस एलएच सर्ज। नहीं बेटा, ये एस्ट्रोजन के कारण होती है। अब देखो इधर देख लेते हैं हिंदी में, निम्न में से एलएच सर्ज के लिए सही परिणाम, पुटक प्रवस्था में प्रोजेस्टेरोन के स्तर में वृद्धि, जबकि आपको मालूम है यहां एफ एस एच फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, इसका मतलब ये तो वैसे गलत हो गया। एफ एस एच स्तर की वृद्धि जो पीयूष ग्रंथि से एल एच श्रावण को प्रेरित करने के लिए हाइपोथैलेमस को संकेत देती है। देखो एफ एस एच की वृद्धि जो पीयूष ग्रंथि से, अब देखो यहां पर भाई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाले स्ट्रक्चर, तो यहां एस्ट्रोजन होता तो सोचते हैं अपन, तो ये इसलिए नहीं है। क्या वृद्धि करते हुए पुट्टक द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि हाइपोथैलेमस जो कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग स्रावित करने का संकेत देती है, और वहां से पीयूष ग्रंथि द्वारा एलएच का सेक्रेशन होने लग जाता है। तो ये आपके पास दो तो गलत हो गए, फिर है एक सही। पुट्टक प्रवस्था के दौरान एंड्रोमेट्रियम स्तर में एलएच सर्ज को प्रेरित होता है, आपको मालूम है इसका मतलब ही नहीं है, ये तो एस्ट्रोजन वाला बताया, तो थोड़ा याद रखना इसमें। मानव के विकास के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़िए। डायोपिथिकस एप जैसे कि गोरिला एंड चिंपेंजी जैसे चलते थे, सही बात है। नियंडरथल मानव 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क के लिए यहां पर 1,00,000 से 4,000, ये गलत हो गया बेटा, पूर्व इथोपिया एंड तंजानिया, ये वैसे गलत हो गया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही कहाँ है। ऑस्ट्रेलियन जो थे वो स्पेशली पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, सही है, परंतु प्रारंभ में मांस खाते थे, बेटा प्रारंभ में मांस आने से ये गलत हो गया है, फ्रूट था। होमो इबिलिस पहला मानव था जो कि उसका कैरिनल कैपेसिटी कितनी थी, यहां 650 से 800 सीसी। तो इसका मतलब कौन कौन से सही हुए हैं, करेक्ट पूछना है या ट्रू या फॉल्स आपको देखना है। तो देखो बेटा डायोपिथिकस एप लाइक बिल्कुल सही बात है, पहला ट्रू है, सामने ही लिख देना नियंडरथल ये 4,000 के कारण फॉल्स हुआ, ये यहां मीट आने के कारण फॉल्स हुआ, और यहां पर ये बिल्कुल 650 से 800 सीसी ये ट्रू हुआ। तो देखो पहले में टी, दूसरा एप गलत हो गया, पहला टी, फिर देखो ये गलत हो गया, फिर ये यहाँ गलत हो गया, इसका मतलब चार नंबर, पहले में टी फिर एफ एफ और टी, इसका मतलब ट्रू फॉल्स, फॉल्स और ट्रू के रूप में आपके पास चार आंसर चला जाता है, मुझे उम्मीद है गलत भी नहीं हुआ होगा। दूसरा है चूज द हार्मोन दैट प्रोड्यूस्ड ओनली इन द प्रेग्नेंट वुमन, उस हार्मोन का चुनाव कीजिए जो गर्भवती महिलाओं में ही उत्पादित होता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, आपको मालूम है ये रिलैक्सेशन हार्मोन ही है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम है पहले भी होते हैं, प्रेगनेंसी से मतलब नहीं है, रिलैक्सेशन चार नंबर आंसर चला जाता है। फिर देखो नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैंने कहा इनकरेक्ट है तो इसका मतलब पहले से अंडरलाइन कर ले बेटा। अब देखो असत्य या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला है, इसमें स्पेशली पूछा गया द एवरेज फेलियर रेट इज द कंपेरेटिव हायर देन नेचुरल मेथड द बैरियर मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, सही बात है बेटा कि गर्भ निरोधक रोध विधियों में तुलनात्मक प्राकृतिक विधियों में औसतन विफलता दर तुलनात्मक रूप से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है दो वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद यहां गर्भधान न होने वाली स्थिति को बनता कहते हैं, एनसीईआरटी के समरी की लाइन है, मुझे उम्मीद है आपको पक्का मालूम होगा। इनफर्टिलिटी कपल्स आर द अनेबल टू क्या कर रहा है, प्रोड्यूस्ड चिल्ड्रन इन स्पेक्टुअर ऑफ इन या अनप्रोटेक्टिव सेक्स कोहेंस, इसका मतलब ये भी सही है। वीडी या वेनल डिजीज आर द कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन प्रोटोजोआ, दे आर द कंप्लीटली क्यूरेबल इफ द डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, आपको मालूम है वायरस का नाम नहीं है, तुम सोचो कि यहाँ एचआईवी आ गया या हेपेटाइटिस आ गया, ऐसा नहीं है, हर्पीज आ गया, ये कह रहा है बैक्टीरिया और प्रोटोजोन को अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया गया हो, जीवाणु और प्रोटोजोआ के
कारण कोई ये वीडी के नाम से भी आ सकता है, ध्यान रख लेना, शॉर्ट में पूरी तरह से ठीक हो सकता है यदि अगर शुरुआती अवस्था में पहचान हो जाए तो बिल्कुल इसका इलाज हो सकता है। तीनों सही है, असत्य पूछा है, ध्यान रख लेना, बच्चा तुम्हारे पास है कि या एमियोसिंथेसिस इज द लीगल इन इंडिया फॉर द प्री नेटल डिटर्मिनेशन, प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण। देखो आपने पढ़ा होगा कभी हॉस्पिटल गए हो तो कि यहाँ पर लिंग जांच नहीं होती है या कानूनी अपराध है, इसलिए आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि भारत में कानून बना दिया गया हो, नहीं, प्रसव पूर्व लिंग का निर्धारण कानूनी नहीं है। इसका मतलब चार क्या कि नॉट यहाँ लीगल इन इंडिया प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, गलत हो गया, चार नंबर आंसर चला जाएगा। और ये तो गलत भी नहीं हुआ होगा आप लोगों का। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉइंग ऑप्शन गिवन द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट रिलेशन। बेटा पक्का प्रश्न आ रहा है इस टाइप का। अब देखो कन्वर्जेंट मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे मान लो अलग अलग जगह के लोग हैं और वो यहां आकर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ओरिजन तो क्या हो गया डिफरेंट और फंक्शन क्या हो गए सेम, इसका मतलब ये वाला है। और डाइवर्जेंट क्या है, ओरिजन सेम है और चारों यहां से डाइवर्ट हो गए हो, इसका मतलब डाइवर्जेंट है वो। तो ओरिजन यहां सेम होगा, यहां ओरिजन डिफरेंट होगा। तो देखो क्या है, थ्रोन ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंडिलो कुकरबिट्स, ये डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है, पहला ही गलत हो गया है। फिर है वर्टिब्रेट्स के हर्ट और ब्रेन, ये भी डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है। फिर देखो फ्लिपर ऑफ एग्मीन एंड डॉल्फिन, आपको मालूम है यहां से ये वाला एग्जाम्पल बैठा, थ्रोन ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंडिल कुकरबिट, ये वाला एग्जाम्पल मैं बोल ही चुका हूँ डाइवर्जेंट का है। लेकिन यहाँ आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मेमल्स, फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजन डिफरेंट, इसका मतलब ये वाला गलत हुआ है। तो आपके पास तीन ही वाला पार्ट है कि यहाँ पेल्विन व डॉल्फिन के फ्लिपर्स होते हैं वो ओरिजन यहाँ पर डिफरेंट है और फंक्शन सेम हो रहे हैं, यहाँ पर ओरिजन सेम है फंक्शन सेम या डिफरेंट आप जानते हैं, यहाँ पर ये हुआ। तो तीन नंबर आंसर चला गया, वेरी मोस्ट बेटा ध्यान रखना। उसके बाद देखो, एक्स इज एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन लाइक हु इज प्रोबेबली लिव इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड एंड द हंट विद द स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली इट एट फ्यूट। देखो ये आ गया, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस किया था ना, उसमें गलत किया था कि नहीं वो अर्ली में क्या है मीट खा रहा था, यहाँ पर देखो सही आया है ये। एक्स मानव का एक पूर्वज है जो कि संभवतः पूर्वी अफ्रीका के ग्रास से स्थानों में रहता है, पत्थर के हथियारों से शिकार करता है लेकिन फलों को ही खाता है। बिल्कुल एक्स को पहचान ही है, पहचान नहीं अभी थोड़ी देर पहले ही पहचाना है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। अब देखो नेक्स्ट, यहां से आया, द एमओईटी यूज्ड टू हियर इंप्रूव हैज बीन लाइक डोमेस्टिक फॉर ऑल गिवन एनिमल एसेप्ट। नीचे दिए गए जंतुओं में गोवन सुधार के लिए एमओईटी को प्रदर्शित किया गया, को छोड़कर इनमें से किसके लिए एमओईटी यूज नहीं आएगी। देखो भेड़ के लिए आएगी, खरगोश के लिए, घोड़ी के, मुर्गी के लिए नहीं आएगी। इसका मतलब आपके पास चिकन फॉर आंसर चला जाता है, ध्यान रखना। इसका वायरस याद रखना, रानीखेत डिजीज या फिर जो बर्ड फ्लू है H5N1, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया साइड में, इसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट, यहां से फिर आपसे पूछा गया मेज कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो यहां से ये डिजीज वाले से फायरलिसिस किससे हो रहा है बेटा, यहां से चेरिया मेलाइज से। रिंग वॉर्म किससे हो रहा है, देखो माइक्रोस्पॉर्म भी हो सकता है और एपिडर्मोटोफाइटोनी हो सकता है, यहां पर ये एमीबीएसिस होता है एंड अमीबा स्टोलाइटिका, आपको मालूम है चार नंबर, एंड निमोनिया हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसका मतलब 2 5 4, 2 5 4 1, देखो 2 फिर 5 फिर 4 फिर 1, आपके पास तीन ही है। अब आप सोचो, मान लो आप देख रहे होंगे सर ये भी तो जा सकता था रिंग वॉर्म में, बी में थर्ड, अब बी में मान लो थर्ड अपन ले भी ले तो फिर सी में यहां पर एक कहाँ आया, सी में फिर आपके पास देखो यहां पर कौन सा आ रहा है एंटमीबा स्टोलाइटिका। इसका मतलब आप थोड़ा सा यूज लेके करते तो भी आंसर आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है और वैसे गलत नहीं हुआ होगा। फिर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। आप देखो पहले मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं, देखो जिससे क्या हो नीट का प्रश्न गलत नहीं हो, क्योंकि आप जानते हैं सीएलसी आपके पीछे बिल्कुल यूं मान लो
बड़ी ईमानदारी से एक एक सेकंड को कीमती तरीके से काम में ले रही है। ब्रह्मास्त्र आपने देखा कितना कारगर साबित होगा। अब देखो सॉल्यूशन में एक्टिव इम्यूनिटी की स्टेप क्या है। देखो बेटा आप अभी जो चल रहे हैं ना वो है फास्ट एक पैसिव इम्यूनिटी। कैसे सर? आप बड़े शॉर्ट में चैप्टर को ले रहे हैं और बड़े फास्ट काम कर रहे हैं। सर खास ये दिमाग हमारा पूरी साल भर चल जाता तो आज बहुत बढ़िया रैंक पे चलते। चिंता मत करो, ब्रह्मास्त्र से बढ़िया रैंक पे आप वैसे भी आ सकते हो। देखो यहां से शॉर्ट एंड फास्ट कहने का मतलब, मान लो एक व्यक्ति है और उसको मान लो कोई सांप आया और वो काट गया। अब अपन ने क्या किया, इस व्यक्ति के तुरंत ही आपने एंटी वेनम यूज किया। एंटी वेनम यूज किया तो आप जानते हैं कि ये फास्ट काम करेगा लेकिन शॉर्ट के टाइम। इसी व्यक्ति को अगर ये स्नेक या दूसरा स्नेक मान लो काटता है तो इसका तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो था, इसका मतलब आपको दोबारा लेना पड़ेगा। तो पैसिव इम्यूनिटी हमेशा शॉर्ट एंड फास्ट काम करती है। जबकि आप देखो कोरोना में COVID-19 के लिए हमारी मोदी सरकार ने, आपको मालूम है, वैक्सीन लगवाए, फ्री लगवाए। वो वैक्सीन आपको मालूम है कैसे हैं? आप जानते हो लॉन्ग शॉर्ट की जगह लॉन्ग एंड यहां पर स्लो, स्लो और लॉन्ग। देखो लगने के बाद भी आपने देखा पहला वैक्सीन लगा, फिर उसके बाद टाइम मिला 84 दिन का, 28 दिन का, तो इसका मतलब धीरे धीरे प्राइमरी रेस्पॉन्स से फिर उसके बाद में सेकेंडरी रेस्पॉन्स आप जानते ही हैं। तो यहाँ प्राइमरी में आपको मालूम है IgM की स्टेप है, सेकेंडरी में आपको मालूम है IgG की मात्रा बढ़ जाती है। अब आपने देखा बेटा कि क्या है एक्टिव, ये कह रहा है इंजेक्ट ऑफ द एंटी वेनम। ये तो पैसे अभी हाल ही में समझाया है एग्जाम्पल देखे। माँ का दूध है आप देखो IG। अब उसके बाद देखो यहां पर आपने देखा दूसरा, यहां इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्ट इन द पेशेंट। अब यहां पर आप इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पैसिव फॉर्म है। इम्यूनाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू द मदर मिल्क, यह अभी IgA, इसका मतलब पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। यहां इनएक्टिव पैथोजन इंट्रोड्यूस्ड इन बाय द बॉडी। अब देखो ये एक तरह से एक्टिव स्टेप है जो क्या करेगी, एक लंबे समय तक काम करेगी लेकिन वो एक तरह से स्लो स्टेप में काम करेगी। इसका मतलब चार आंसर चला जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है, आपके समझ में भी आया होगा मुझे उम्मीद है। देखो नेक्स्ट, एक्स इज ए केमिकली डायस्टाइल मॉर्फिन विच इज द वाइट और लेस बीटर क्रिस्टल कंपाउंड, सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट आइडेंटिफाई एक्स। कहने का मतलब है एक्स एक रासायनिक रूप से डाई एसिटाइल मॉर्फिन है जो कि एक सफेद गंधहीन कड़वा क्रिस्टल यौगिक है। आप समझ गए ब्राउन सुगर की बात कर रहा है, और इसमें एक आपको मालूम है इसी का नाम है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा चला गया, चार। टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद देखो चूज द इनकरेक्ट मैच मेथड कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक विधि में गलत का चुनाव कीजिए। अब देखो आप जानते हो इनकरेक्ट कौन सा है, नेचुरल मेथड कोइटिस इंटरप्शन, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है यहां से हार्मोनल यूडी, आपको मालूम है ना ये कई बार आ चुका है, यहां LNG20 याद रखना कई बार आ चुका है, यहां कॉपर्टी के रूप पे कर गया, इसका मतलब यार ये मल्टीलोडेड 375 क्या कोई नाम ही नहीं है। फिर है कोई नाम ही नहीं है, केवल बस ये नाम दिया है ऐसा, मल्टीलोडेड 375 क्या, तो कोई कॉपर ऑपर का भी नाम नहीं, वैसे भी गलत है वैसे। वेरियन मेथड में वॉल्ट, आपको मालूम है डायफॉर्म वॉल्ट वगैरह के पीएस सब आपको मैं, एंड केमिकल मेथड में यहाँ क्रीम वगैरह स्पर्मिसाइड्स क्रीम वगैरह जेली है ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पास कौन सा चला गया, दो नंबर। बेटा मुझे उम्मीद है सही गया होगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसा कैसा आ सकता है। नेक्स्ट देखो सिलेक्ट द सिक्वेंस दैट टू प्लेस इन यूस्ट्री वर्टिब्रेट्स थ्रू द जियोग्राफिकल पीरियड, ये NCERT का दिया हुआ एक पूरा का पूरा, डायनासोर वाला भी देखा है आपने, अन्य एनिमल्स के भी आपने देखे हैं, तो वो पूरा याद होना चाहिए आपको मालूम है ना कि किस रूप से क्या बने। तो देखो पहला आपको मालूम है अर्ली रेप्टाइल्स के रूप में है, फिर उसके बाद में क्या है सेनेप्सिड है, फिर पेलिकोसोरस है, फिर थेरेप्सिड है।
सर आपने डायरेक्ट दो ही क्यों बताया और क्यों नहीं बताया? देखो नाम एक में ही ऑप्शन है अर्ली रेप्टाइल्स, तो मैं दूसरी जगह जाऊं ही क्यों यार, तो इसका मतलब आपको भी टाइम बचाते हुए आगे बढ़ना है, तो दो नंबर आंसर चला जाता है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ऑटोसोम डज इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड प्राइमरी ओसाइट हैव द रिस्पेक्टिवली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। देखो बेटा मान लो यहां पर आपके पास एक 44 या 44 यहां एक्स और वाई क्रोमोजोम है। अब यहां से यहां ये मल्टीप्लेक्शन होता है तो भी ग्रोथ फेज में भी क्या रहेगा आपके पास 44 एक्स और वाई। किसको पूछ रहा है? ऑटोसोम को पूछ रहा है, और फिर किसमें पूछ रहा है? देखो प्राइमरी। अब आपको मालूम है ग्रोथ फेज के बाद भी आप इसे क्या देते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नाम देते हैं। तो इसका मतलब 44 आपके पास आ रहे हैं तो ये वाले स्ट्रक्चर आपके पास है। ऐसे ही आपसे पूछा गया प्राइमरी ओसाइट भी, तो आपको मालूम है यहां पर भी आपको मालूम है 44x है। जब तक मियोसिस नहीं हो तब तक आपके पास वही इतने ही बचने वाले हैं, तो इसका मतलब ये प्राइमरी या ओसाइट की स्ट्रक्चर के रूप में आप देखते हैं तो 44 एंड 44 की स्टेप होगी, आपको मालूम है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, यहां पर आंसर आपके पास चला जाता है। हाँ सेकेंडरी पूछे तो आपको मालूम है बेटा यहाँ 22x वाले स्ट्रक्चर के रूप में, यहाँ 22y के रूप में आ जाता है, यहाँ पर आपको मालूम है 22x के वाले स्ट्रक्चर के रूप में आ जाता है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि देखो जब भी डिवीजन होगा, क्योंकि मियोसिस अरेस्ट पड़ी रहती है वहां पर, उसके बाद ही तो आगे चलता है मैकेनिज्म, थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद देखो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 136। इसमें क्या देखना है कि सही कथनों का चुनाव करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है किसको, करेक्ट स्टेटमेंट। ओके तो अब स्टेटमेंट दे रखे हैं इन्होंने, पहला स्टेटमेंट क्या है कि आरएनए का, आरएनए जो है पहला आनुवंशिक पदार्थ था, बिल्कुल था, ये तो सही है क्योंकि सबसे पहले आरएनए ही आया था, उसके बाद में डीएनए बना। तो आरएनए में क्या हुआ, रासायनिक रूपांतरण के कारण क्या बना, डीएनए बना, बिल्कुल बना, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किए गए थे उसकी वजह से जो है डीएनए का निर्माण हुआ। अब केमिकल मॉडिफिकेशन क्या, जैसे आरएनए में राइबोस शुगर होती है तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमीन होता है। थाइमीन का ही दूसरा नाम, ढंग से पढ़िएगा, याद करिएगा, 5-मिथाइल यूरासिल, ये थाइमीन का दूसरा नाम है। तो इन्होंने क्या किया कि यूरासिल पर एक फिफ्थ पोजिशन में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, बस यही अंतर था। तो इस तरीके से केमिकल मॉडिफिकेशन किया, उसकी वजह से क्या हुआ, आरएनए से डीएनए बना बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। ठीक है, जिससे कि इसमें क्या होगी, क्यों किया था, जिससे कि इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाए, स्थायित्व ज़्यादा आ जाए। ओके, दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए के नॉट कॉपीड, बिल्कुल सही बात है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन के समय डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है कॉपी नहीं होते हैं। डीएनए का एक सेगमेंट, एक खंड, उसमें भी केवल एक स्ट्रैंड जो है उसकी कॉपी होती है। उसमें क्यों ऐसा रीजन है, क्योंकि दोनों अगर आरएनए बनेंगे तो आरएनए हाइब्रिड बना लेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, राइबोसोम बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अगर दो अलग अलग तरह के आरएनए बनेंगे, मान के चलें दो अलग तरह की प्रोटीन बन रही, जिससे क्या होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो मशीनरी है उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किस प्रोटीन को हम यूज़ करें, किस प्रोटीन का यूज़ ना करें। यही दो रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, केवल एक ही स्ट्रैंड जो है उसको ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें दिखा रहे हैं कि दोनों जो है, इसमें देखिए अनुलेखन के दौरान डीएनए के दोनों रज्जु का प्रतिलिपिकरण नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या है, इसमें आपके सभी आपका ठीक हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लैक ऑपेरॉन के बारे में। आपने देखा होगा एनसीईआरटी के सीधा डायग्राम है और इसमें डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस हैं, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो पता होना चाहिए किस तरीके से। तो ये क्या है, इसके ऑप्शन देखिए, ये एक सीधा डायग्राम है, इसमें ये पूछ रहे हैं ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये तीनों के तीनों क्या है, संरचनात्मक जीन है, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। ओके, जेड वाई ए है ना, आई आई जो है रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा बेसिकली, इससे रेगुलेटरी जीन, तो ये नियामक जीन है जो कि रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ये आपका क्या हो गया, रिप्रेसर का एमआरएनए हो गया, किसका एमआरएनए हो गया, ये रिप्रेसर का। ओके, तो ये आपका हो गया रिप्रेसर एमआरएनए। ओके, ये क्या है, ये इंड्यूसर है, लैक्टोज इंड्यूसर, इंड्यूसर तरह कौन काम करता है,
लैक्टोज या एलो लैक्टोज दोनों ही इन दोनों में कोई भी इंड्यूसर की तरह काम करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लैकोपेरोन में इंड्यूसर की तरह काम कौन करता है, लैक्टोज एंड एलो लैक्टोज। कौन नहीं करता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इंड्यूसर की तरह काम नहीं करते हैं। इंड्यूसर का मतलब जो कि स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन स्टार्ट करवा दें, उनकी अभिव्यक्ति स्टार्ट हो जाए, प्रारंभ हो जाए। अब हम इधर आए, सी क्या है, जेड। जेड जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, ओके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। बाई जो है किसको कोड करता है, परमीज को, ओके, और ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज को बनाता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, ये देखिए आपका ए, ए क्या था, रिप्रेसर, ये देखिए रिप्रेसर एमआरएनए था, ओके। बी जो था वो क्या था, प्रेरक था, इंड्यूसर था, ओके। इसमें ए सी डी ई क्या है, सी मतलब जेड वाला था, जेड किसको बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। बाई किसको बनाता है, बाई बनाता है परमीएज को, और ई वाला क्या था ऑप्शन, ये तो ए जो है वो जो स्ट्रक्चरल जीन है जेड वाई ए, वो इस तरीके से अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ओके। नाउ सी, अब किसी प्राणी में डीएनए में थाइमिन इतना है, तो थाइमिन की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ थाइमिन 20% है, और तो इसमें एडेनिन कितना होगा, यही है, साइटोसिन और एडेनिन कितने होंगे। तो ये सिंपल से हैं, अपन कई बार पढ़ चुके होते हैं, डीएनए में क्या होता है, बेस पेयरिंग होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि थाइमिन कितना बता रहे हैं, 20 है, ठीक है, इसका मतलब एडेनिन भी 20 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ये 40% हो गया, ओके। तो 100 में से अब जो निकालेंगे कितना बचा है, 60, तो इसका मतलब सी और जी कितना हो गया, 30% सी हो गया और 30% आपका जी हो गया। तो इस तरीके से निकालना है, तो इसे पूछ रहा साइटोसिन और एडेनिन कितना है, तो साइटोसिन कितना हो गया 30%, एडेनिन कितना हो गया 20% रेस्पेक्टिवली पूछ रहे हैं, तो पहले साइटोसिन ले लो, उसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या बता रहे हैं कि एक जो बैक्टीरिया है वो उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है, लेकिन एक ऐसे मीडियम में ट्रांसफर कर रहे हैं जो रेडियो एक्टिव है, और आफ्टर 3 जनरेशन यानी 3 पीढ़ियों के बाद उसमें क्या होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। इसमें ये है कि बैक्टीरिया जो है वो, ये देखिए, ये इस तरीके से है, इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है। अब हम ऐसे मीडियम में डाल देंगे, ऐसे माध्यम में डाल देंगे जिसमें कि रेडियो एक्टिविटी है, ओके। तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे, ओके, अलग अलग होंगे, तो क्या होगा, ये तो नॉर्मल स्ट्रैंड है, लेकिन नए स्ट्रैंड जो बनेंगे उसमें रेडियो एक्टिविटी होगी, इस तरीके से शो कर देते हैं। अब इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे, इनको भी अलग अलग करेंगे, करेंगे कि नहीं, ओके। तो इनमें सिंगल सिंगल स्टैंड आ गए, ठीक है। अब नए जो होंगे फिर से उसमें रेडियो एक्टिविटी होगी, तो इसमें तो होगी भाई, ओके। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कितने हैं, तो ये होगी फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया आपका सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में रेडियो एक्टिविटी दिख रही है, और आपके थर्ड जनरेशन, तो 1 से 2 बने 2, 2 से बने 4, 4 से बनेंगे 8, 2, 4, 8 इस तरीके से रहेगा। तो जो 8 हैं सभी बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी होगी, यानी कि कितना होगा, 100% हो गया, ओके, ये देखना है। Which one of the following option is the incorrect about the bilious? पितरस के बारे में कौन सा कथन यहां पर गलत है? देखो अंडरलाइन करो बेटा, इनकरेक्ट पे। अब आपको मालूम है, पहला है bilious formed by the liver, सही बात है। फिर है ये गॉल ब्लैडर में तनु, जबकि यहां होना चाहिए सांद्रित, इसका मतलब सांद्रित नहीं है, तो यही गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। स्टोरेज एंड डायल्यूट इन द गॉल ब्लैडर, इसका मतलब यही गलत है, दो आंसर चला गया ना, लाइपेज एक्टिवेटेड डिमिनिशिंग ऑफ द फैट या फॉर्म्ड लीवर, ये सारे सही हैं, ये गलत भी नहीं हुआ होगा वैसे आप लोगों का। फिर देखो नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आप अच्छी तरह जानते हो एक प्रश्न यहां से बनता है, क्योंकि ध्यान रखना रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, कहीं से भी किसी टाइप का प्रश्न बन सकता है भाई। डाइजेशन में तो फिर भी देखो मैकेनिज्म से आ सकता है, एलिमेंट्री कैनाल से आ सकता है, उसके बाद में उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा जाए तो आपको मालूम है कॉर्डिक साइकिल से आने के ज्यादा चांस बनते हैं, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है, हर्ट का स्ट्रक्चर बन सकता है, और एक्सक्रेटरी सिस्टम से है तो आपको मालूम है काउंटर करंट बन सकता है, उसके बाद लोकोमोशन मोमेंट है तो बोन्स के जॉइंट्स है वहां से ज्यादा बनने के चांस है, और मसल से है तो मैकेनिज्म वो डायग्राम दिया हुआ है वहां से आपसे पूछ सकता है, उसके बाद में
ऐसे ही आप देखते हैं न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन तो निश्चित ब्रेन से रिलेटेड सीएनएस से ज़्यादा चांस बनते हैं, तो वहाँ पर भी मालूम है। रिफ्लेक्स एक्शन से हैं तो उसके स्टेप्स पूछ सकता है, इतना सा है। आई से और ईयर से एक प्रश्न आने के चांस आप बनते ही हैं, तो उसमें भी क्या है कि कौन से कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बिल्कुल आपको मालूम है कि सेंट्रिस फोबियस वाले पार्ट पे है। अब ईयर में मेन काम क्या है, तो हियरिंग का ना होकर बैलेंस का है, तो वेस्टिबुलर एपरेटस से क्वेश्चन बन सकता है, ऑटोलिथ से है या सेमी सर्कुलर से हो सकता है। उसके बाद अगर मान लो आप देखें ऐसे में क्या है, इस वाले चैप्टर में कुछ भी बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए रेस्पिरेटरी एक ऐसा है जिसमें कुछ भी कहीं से भी बना सकते हैं। देखो बेटा क्या पूछा, करेक्ट पूछा है। आप देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, आईसी। अब आईसी का मतलब क्या हो गया, आप इंस्पायर कैपेसिटी कर रहे हैं, तो यहां आई आर वी प्लस यहां टीवी की स्टेप होती तो सोचते इसका मतलब पहला तो रॉन्ग हो गया, ई लिखा हुआ है। दूसरा एफ आर सी, एफ आर सी बराबर क्या होता है, यहां RV प्लस ERV, तो इसका मतलब आप जानते हैं यही सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। VC देखा जाए तो इसमें TV नहीं है, इसलिए गलत हो गया ये। और टोटल में तो आपको मालूम है VC प्लस यहां आता तो ये सोचते, तो इसका मतलब आपके पास पहला गलत, तीसरा चौथा गलत, यहां करेक्ट पूछा है तो दो सही है। और ध्यान रखना स्पायरोमीटर से किसको चेक नहीं कर सकते हम, RV जहां आती है उसको चेक नहीं कर सकते, FRC में RV आ रही है इसलिए चेक नहीं कर सकते, TLC में आ रही है इसमें नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना ये मैंने एक एडिशन बता दिया है। नेक्स्ट देखो बेटा, हाउ मेनी फैक्टर आर द सुटेबल ऑफ द ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। देखो क्या है, आप जानते हो सिग्मोइड कर्व बनता है, अब ये कौन सा है, यहाँ राइट साइड शिफ्ट होता है और यहाँ पर लेफ्ट साइड शिफ्ट या पार्ट है। अब देखो कैसे, मान लो एच बी ओ टू के साथ यहाँ पर प्यार से बैठी हुई है, लेकिन उसका भाई मान लो सी ओ टू है, वो आ जाए तो देखो क्या क्या होगा। भाई सी ओ टू आती, देखो सबसे पहले आपको मालूम है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू इंक्रीज हो गया है, भाई को देखते उसका टेम्परेचर भी बिल्कुल बुखार हो गई है, पीएच है वो आपको मालूम है डिक्रीज है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है। उसके बाद आपको मालूम है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है वो इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि भाई देख लिया ना तो वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, वो राइट छुपने के लिए लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट होगी, बोरियत महसूस करेगी, इसलिए बोर इफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने ट्रिक्स में ट्रिकी किया है, तो थोड़ा समझना। देखो क्या है, यहाँ पर हाईली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ गया, pH यहाँ पर लो होगा एसिडिक में, हाई टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बढ़ गए, तो एक दो तीन चार पाँच, इसका मतलब आप देखो कौन कौन से पॉइंट हो गए हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, लो pH का होना, टेम्परेचर का बढ़ना, हाई उसका होना, तो देखो एक दो, यहाँ पर ये हुआ तीन वाला पार्ट क्योंकि हाई इसमें आएगा, और ये चार यहाँ पर आ रहा है, तो कौन कौन से हो गए बेटा, हिंदी में देखो उच्च यहाँ पर PCO2 होना है, निम्न pH होना है, यहाँ उच्च तापमान होना है, और इसके अलावा हाइड्रोजन आयन का बढ़ना होता है, तो एक दो तीन और चार यहाँ आपके पास आ रहे हैं। थोड़ा सही तरीके से आप ढंग से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का प्रश्न बन सकता है। फिर देखो नेक्स्ट, ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिसेस रेगुलेट बाय, ये काउंटर करंट वाली बात कर रहा है। देखो यहां पर ये यू शेप में आपके पास वासर एक था, आप जानते हैं एक आता है हेयर पिन के रूप में आपके पास एनले लूब वाला, अब आपको मालूम है ये एनले लूब वाला पार्ट है, तो यहां पर आपको मालूम है कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट से यहां यूरिया निकलता है, यूरिया जाता है एनले लूब के असेंडिंग पार्ट में, थिन असेंडिंग पार्ट में, और यहां से जो NaCl निकलता है वो जाता है यहां, ये क्या करता है ऑस्मोलिटी को मेंटेन करता है। इन ध्यान रखना कौन सा, कि यहां पर आपके पास जो मेडुला है, मेडुला का एक पार्ट आउटर होता है एक पार्ट इनर होता है, तो यहां आपने देखा कि जो 300 थे फिर यहां पर 600 हुए, फिर यहां 900 हुए और यहां 1200, तो इंटरनल ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए काउंटर करंट का होना जरूरी है, तो ये किसके कारण हो रही है, NaCl प्लस यूरिया के कारण हो रही है, तो इसका मतलब एक आंसर चला जाएगा, वेरी मोस्ट, ध्यान रखना बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। यस बेटा नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन, ANF is vasodilator. देखो क्या होता है, अपने को मालूम है ये हर्ट है, इस हर्ट के एट्रियल पार्ट पर ANF फैक्टर है, और ANF फैक्टर क्या करता है, बीपी को लो करता है। आप जानते हो कि रास का जस्ट पोजिट, क्योंकि रास क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, अब ये हमेशा बीपी को क्या करेगा, इंक्रीज, और यहां ANF क्या कर रहा है,
बीपी को डिक्रीज, तो इसका मतलब आपके सामने ये तो करेक्ट हुआ। फिर देखो दूसरा, जी एफ आर इज द 1/5 पार्ट ऑफ टोटल कार्डिक आउटपुट। बेटा ये गलत हो गया, क्योंकि जी एफ आर यहां ब्लड फ्लो का जो पार्ट आ रहा है भाई, कार्डिक आउटपुट हुआ उसका 1/5 पार्ट किडनी में जाएगा, और वो कितना होगा 1100 से 1200 ml। अब जी एफ आर में कितना आएगा 125 ml, तो ये तो बहुत एक अलग ही स्टेप हो गई। तो इसका मतलब जी एफ आर जो होगा इज द 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट, नहीं ये नहीं, ब्लड फ्लो जो हो रहा है उसके आधार पे इसका मतलब सेकंड नंबर गलत हुआ। ए एन एफ आपको मालूम है वाई का प्रसारक के रूप में है, जी एफ आर कुल हृदय निकास का 1/5 पार्ट होता है, नहीं 1100 से 1200 नहीं होता, जी एफ आर तो केवल कितना होता है 125 ml, तो ये भी गलत है आपके सामने। फिर देखो उसका, फिर आया यहाँ क्या, कंडीशनल रीऑब्जर्वेशन अकर बाय डीसीटी। आपको मालूम है ये भी बिल्कुल, यहाँ डीसीटी की परिस्थिति जन्य के अनुसार पुनः अवशोषण होता है, बिल्कुल सही बात है, और प्रत्येक किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन, ये भी गलत हुआ। बेटा यहाँ पर आपको मालूम है दो गलत हो रहे हैं, 2 और 4th, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास आंसर 2 और 4th बोथ ही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं इनके संदर्भ में आपको बताना है किस तरीके से, कौन से स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं। तो ये क्या करता है, क्या दूध से दही का निर्माण करता है, यस प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, बिल्कुल। तो ये LAB जिन्हें कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं वो करते हैं। दूसरा है कि लैब के द्वारा अम्ल निर्माण में दुग्ध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है उसका स्कंदन होता है, आंशिक पाचन होता है, यानी लैब प्रोड्यूस ऑस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द प्रोटीन प्रेजेंट द मिल्क, ओके। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड हम क्या करते हैं, जैसे हम दही जमाना होता है तो दूध में क्या कर थोड़ा सा हम अमाउंट जो है कर्ड का डाल देते हैं, उसे कहते हैं इनोकुलम। क्या बोलते हैं उसको, इनोकुलम बोलते हैं। तो कर्ड एडिड टू द फ्रेश मिल्क एज ए इनोकुलम, है ना। और स्टार्टर कल्चर, स्टार्टर भी बोला जाता है उसको, जिसमें कि बहुत सारे लैब बैक्टीरिया होंगे, LAB होंगे, ओके। तो शुद्ध दूध में जावण बोलते हैं, प्रारंभिक पदार्थ भी बोला जाता है, इसमें बहुत सारे लैब बैक्टीरिया होते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, ओके, इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट आपका है किन पदार्थों के निर्माण के लिए आसमन विधि संपन्न होती है, ओके। तो आसमन में क्या है कि डायरेक्ट इसमें एग्जाम्पल है तो इसमें याद आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि ये आपका हो गया रम और ब्रांडी, ये बहुत ही होते हैं रिस्की, क्योंकि इनके साथ है विस्की। तो विस्की जो है इन तीनों में ही आपका डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। तो डिस्टिलेशन कहाँ कहाँ होता है, विस्की में, रम में और ब्रांड, ओके। तो ये आपका हो गया, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका A, C, and D, ओके। नेक्स्ट, वह रसायन जो थक्का हटाने में उपयोगी होते, केमिकली दैट क्लॉट ब्लस्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओके, स्ट्रेप्टोकाइनेस, सीधा क्वेश्चन है। पवित्र उपवन, अब इसमें क्या देखना है कि आपके इस तरीके से आपका इकोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, तो उसमें देखना है कि कौन कौन से इनसीटो हैं, कौन कौन से एक्सीटो कंजर्वेशन है, बाह्य स्थान है और स्वस्थान है। स्वस्थान है मतलब कि जहाँ पर, जैसे अपने राजस्थान के आसपास यहाँ पर जो अरावली रेंज है वहाँ के जो प्लांट हैं वो वहीं पर ही संरक्षित किए जाते हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, तो वो हो गया इनसीटो, स्वस्थान है, जिस स्थान पर है वहीं पर हम उनको संरक्षित करते हैं। तो हमें एक टेबल दे रखी है, इसमें पूछना है कि कौन कौन से इनसीटो हैं, कौन कौन से एक्सीटो हैं, यानी स्वस्थानी कौन से और बाह्य स्थानी कौन से हैं, इनको हमें चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड ग्रुप्स, ओके, ये इनसीटो में आते हैं, या हम कह देते हैं कि ये स्वस्थानी में आते हैं, ओके। नेशनल पार्क हॉटस्पॉट भी इसी में आते हैं, नेशनल पार्क भी आते हैं, और वाइल्ड लाइफ सफारी। अब यहाँ पे एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक होता है वाइल्ड लाइफ सफारी। अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हुआ करता है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे क्लियर कट हो जाएगा। सेंचुरी जो है वो इनसीटो है, स्वस्थानी है, सफारी एक्सीटो है, बाह्य स्थान है। अब याद कैसे रखना है, आपने सफारी गाड़ी का नाम सुना होगा। अब सफारी गाड़ी जो है तो वो क्या करेंगे, सफारी गाड़ी लेंगे तो घर में घुमाएंगे कि घर से बाहर जाएंगे, बिल्कुल बात सही कही आपने, वो तो घर से बाहर घुमाएंगे भी, सफारी गाड़ी तो बाहर घूम रही है, इसका मतलब क्या हो गया, बाह्य स्थान है, एक्सीटो हो गया, ओके। तो इसका मतलब सफारी किस में आएगा, ये
ये आएगा आपका एक्सिटो यानी बाह्यस्थाने में आएगा, सीड बैंक भी आपका एक्सिटो में आते हैं, बायोस्फेयर रिजर्व ये आते हैं इंसिटो में। तो ये यही पूछ रहे हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल इंसिटो के हैं, तो ये जो आपका फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो एक्सिटो के हैं, बाकी आपका सभी एग्जाम्पल जो हैं, तो देखिए इसमें फोर्थ एंड फिफ्थ तो इसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया, सीधा उठाओ टिक करो काम खत्म। ओके, इस तरीके से रहेगा। अब आ गया जैव विविधता के संतप्त स्थल के स्तर में सत्य कथन चुनिए, सत्य कथन चुनना है भाई, ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है विद रिस्पेक्ट टू हॉटस्पॉट और बायोडायवर्सिटी। तो ऐसा है कि हॉटस्पॉट ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत तेजी से लॉस हो रहा है, उसमें एंडेजमिज यानी स्थानिकता होती है, यानी कि एंडेमिज का मतलब होता है कि जो स्पीसीज केवल वहीं मिलेंगी और कहीं आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप देखें इंडिया में तीन हॉटस्पॉट हैं, एक तो होता है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इनको हमने एक हॉटस्पॉट माना हुआ है। दूसरा है इंडो बर्मा, ओके, ये दूसरा हॉटस्पॉट है। और तीसरा है ये जो रेंज है हिमालया, तो ये आपका ये हो गया। अब हमें ये तीन आपके हॉटस्पॉट हैं, पहला ये हो गया, ओके, दूसरा ये हो गया और तीसरा हिमालय वाले पॉइंट। इंडिया में तीन है, इनिशियली 25 हॉटस्पॉट हुआ करते थे, प्लस 9 और जुड़ गए, तो ये हो गया आपके 34 टोटल हो गए, है ना। तो देखते हैं इनिशियली शुरुआत में कितने थे, ये 25 सही है। हॉटस्पॉट है रिच स्पीसी डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए इन क्षेत्रों को हमें संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है। कैसे करेंगे, हॉटस्पॉट रिच इन एंडेमिज्म, देखिए एंडेमिज्म क्या होता है, स्थानिकता में प्रचुर है। एंडेमिज्म का मतलब है ये जो स्पीसीज, जैसे कि जो स्पीसीज यहाँ वेस्टर्न घाट पे है तो वो यही मिलेगी और कहीं आपको वो स्पीसीज आपको नहीं मिलेगी, इसे कहते हैं एंडेमिज्म, स्थानिकता। ओके, आवासीय क्षति के त्वरित क्षेत्र है, मतलब बहुत तेजी से हैबिटेट लॉस हो रहा है, लॉस बहुत तेजी से हो रहा है, एक्सीलेटर दबा दिया बहुत तेजी से हो रहा है भाई। भारत में संतप्त स्थलों की संख्या 3 है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जितने भी स्टेटमेंट हैं सभी के सभी सही है, तो तभी हो जाएंगे 1 2 3 4 5। अब 5 कहाँ लिखा हुआ, ये देखिए इस तरीके से आपका हो गया। नेक्स्ट है कितने कथन सत्य हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, सत्य कथन चुनना है। तो नॉइस पॉल्यूशन जो होता है, जैसे कहते हैं शोर है, तो उसमें साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों ही डिसऑर्डर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि नींद नहीं आती है रातों में, अरे कहाँ से आएगी भाई, स्लीपलेसनेस, नींद की कमी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा ध्वनि जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। ओके, तो इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं और फिजियोलॉजिकल, जैसे हम कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक और कार की विकार उत्पन्न होते हैं। ओके, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन आर कॉमनली नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंट, ODS है क्या, नहीं, ODS में नाम जब आता है वो आता है CFC का। ओके, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत, है ना, क्योंकि ये अपक्षयकारी नहीं है। UVB हिमंतता, हिमंतता मतलब स्नो ब्लाइंडनेस है, N है यहाँ पे, स्नो ब्लाइंडनेस करता है, यस करता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वाटर वाला कब आया था, 1974 में, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ए गलत है बी वाला, बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ACD। अब ACD कहाँ लिखा है, ये लिखा है। वेल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मृतोपजीवी खाद्य संकलन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होगा या प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेफ्रोफाइटिक फूड चेन। अब सेफ्रोफाइट क्या होते हैं, मृतोपजीवी क्या होते हैं, मृत पदार्थ, जैसे कोई कुत्ता मर गया भाई, है ना, लोग गांव के बाहर फेंके आते हैं उसको, है ना, तो जैसे कि डेड बॉडी है, ये क्या हो गया, डेड बॉडी हो गई, ठीक है ठीक है। तो एनर्जी क्या है, जो आपके सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट जो होते हैं, जो मृतोपजीवी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस पर पहले एंजाइम सीक्रेट करेंगे, एंजाइम से क्या होगा, तो पहला एस्पेक्ट एंजाइम सीक्रेशन होगा, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद में सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कंडीशन है, इसमें क्या है, इसके लिए क्या चाहिए, प्राइमरी सोर्स क्या होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर, या जिसे हम कहते हैं डेट्राइटस, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अपरद। तो ये आपको जरूरी है सेप्रोफिटिक फूड चेन में। ओके, नेक्स्ट, ये किसी निश्चित आवास में संख्या का पिरामिड है, ठीक है,
इस आवाज को पहचानिए और सही विकल्प का चयन कर दिए, है ना। तो ये क्या है, रिफर टू गिवन फिगर शोइंग पिरामिड ऑफ व्हाट नंबर एंड सर्टेन हैबिटेट, आइडेंटिफाई द हैबिटेट, कौन सी हैबिटेट है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो आपने ये देखा होगा पिरामिड जो स्पिंडल सेफ है ना, तर्क रूप है, कैसा है ये स्पिंडल सेफ है। तो स्पिंडल सेफ में ट्री इको सिस्टम का आता है, सीधा आता है, किसका आता है, ट्री इको सिस्टम का। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता, ग्रास रैबिट, अब रैबिट कहाँ चढ़ेगा भाई, ट्री पे, प्लांट पे, फाइटोप्लैंक्टन भी नहीं होगा, तो अब कौन सा हो गया, ट्री इको सिस्टम पे। ट्री पे एक ट्री है, उसमें उसकी पत्तियों में बहुत सारे इंसेक्ट लगे हैं, और इंसेक्ट को कौन खा रहा है, स्मॉल बर्ड, यानी कि छोटे पक्षी उसको खा रहे हैं, इस तरीके से होगा। तो स्पिंडल सेप का सीधा है, स्पिंडल सेप आता है ट्री को सिस्टम का नंबर का है। ओके, जैव भार के उत्पादन की दर उत्पादकता होती है जिसे दर्शाया जाता है, मींस प्रोडक्टिविटी ऑफ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। ओके, कैसे आप बायोमास जो बन रहा है उसका प्रोडक्शन आप कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, तो ये हमें देखना पड़ेगा। ओके, इसमें दो पैरामीटर आते हैं, एक तो एनर्जी के रूप में आता है ना, तो एनर्जी के रूप में क्या करते हैं हम, ये एनर्जी के रूप में, किसके रूप में, एनर्जी के रूप में हम करेंगे तो किलो कैलोरी मीटर पर स्क्वायर पर ईयर, क्योंकि जब भी हम रेट की बात करते हैं तो उसमें टाइम को आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये पर ईयर हो गया, और यदि हम इसमें वेट की बात करते हैं तो इसमें ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो ये आपके दोनों ही हो जाएंगे, यानी कि ए और सी। ओके, एनर्जी के लिए किलो कैलोरी, उसके लिए वेट के लिए ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, आपने देखा होगा कि इसमें पिरामिड के जो नंबर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि क्या जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो बढ़ रही है, घट रही है, स्टेबल है, स्थिर है, उस तरीके से। ओके, इसमें क्या है, आपको यहाँ पे जो लास्ट बार है उसको देखना होता है, ये प्री रिप्रोडक्टिव है, कौन से हैं, प्री रिप्रोडक्टिव हैं, देन रिप्रोडक्टिव होंगे, एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव होंगे। ओके, तो इसमें अगर ये बार बड़े हैं, ज़्यादा डंडी जो है बड़ी है, तो मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, और ठीक है, तो देखना है किस तरीके से। इसमें क्या है कि जन के समूह शाश्वत है, क्या हमेशा बना रहता है, जो रिप्रोडक्टिव जो एज है वो परपिचुअल होती है, मतलब हम हमेशा बनी रहती है, ऐसा जरूरी नहीं है, कहाँ होता है, जनन आयु पर निर्भर नहीं करता है, आयु पर निर्भर करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। एवरी ईयर लार्ज ग्रुप एडिट इन द रिप्रोडक्टिव ग्रुप, बिल्कुल, क्योंकि यही जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं वो रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब है कि लार्ज ग्रुप जो चेंज हो रहा है काय में, रिप्रोडक्टिव में, तो ये आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप इज आल्सो रिप्रोडक्टिव, नहीं, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो रिप्रोडक्टिव नहीं होता, क्योंकि इनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। ओके, तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन सही है। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण का मुख्य संन्याल, संन्याल मतलब क्या है, यहाँ मेजर कंड्यूट की बात कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में जब हम बात करते हैं प्रीडेशन, गोमन सिलेज, पैरासिटेज में, है ना, प्रीडेशन, तो ये जो है मेजर कंड्यूट्स, एनर्जी ट्रांसफर इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो जैसे कि प्लांट है, और प्लांट्स सो इसने खाया, ग्रास ऑपर है, कौन है यहाँ पे, ग्रास ऑपर है। ओके, तो ये जो है, तो जो प्लांट की जो एनर्जी थी किसने, इसने ले ली, तो इसी को बोलते हैं मेजर कंड्यूट्स। कंड्यूट का मतलब यहाँ पे एक ट्यूब लाइक से है, नली से है, क्योंकि ये T1 हो गया ट्रॉपिक लेवल, ये T2 हो गया, T2 से कौन लेगा, T3, T3 से कौन लेगा, T4, तो कैसे एक एनर्जी जो है प्लांट से लेते हुए कैसे वो आगे ट्रांसफर करते हैं, तो वो कौन करता है, प्रेडेशन। ओके, जैसे कहते हैं पर भक्षण द्वारा, तभी वो, क्योंकि ये इसको भक्षण कर रहा है, ये इसको भक्षण कर रहा है, इस तरीके से रहेगा। ओके, ऑफ्रिस, ऑफ्रिस एक मेडिटेरियन ऑर्किड है, तो ये क्या करता है कि किस तरीके से इसका जो सीडो कॉपुलेशन करता है, क्या मैकेनिज्म है, कैसे, तो इसमें क्या होता है कि ऑफ्रिस अपने एक पेटल को, उसकी जो फीमेल है, बी और बम्बल बी, इनके जो पॉलिनेटर्स जो होते हैं उनका नाम है बी और बम्बल बी, तो ये क्या करता है, उसकी फीमेल की शक्ल बना देता है, एक पेटल की शक्ल कैसे बन जाती है, उसके फीमेल की थ्रू, तो वो समझता है कि उसकी फीमेल है, तो वो किसके लिए आता है, स्यूडो कॉपुलेशन, सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, आपको देखना है, और बस बाकी ऑप्शन इसके थ्रू नहीं होते। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के चट्टानी तटीय क्षेत्रों में बड़े बर्नाकल,
बेलिनस, छोटे बर्नकल थैलेमस को हटा दिया जाता है, तो ये ऐसा क्यों हुआ? एक गॉस का एक प्रिंसिपल है, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल गॉस ने कहा था। उन्होंने कहा था कि जो सुपीरियर है वो तो बना रहेगा, इन्फीरियर है जो आज नहीं तो कल, वो उसको हटना ही पड़ेगा। तो ये गॉस का प्रिंसिपल है, एक्सक्लूड हो जाता है। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था रॉकी सी में, जिसमें स्कॉटलैंड में, जिसमें लार्जर बर्नकल का नाम था वेलिनस, डोमिनेंट थे वो, ठीक है, जो रिमूव कर दिया किसको, स्मॉलर बर्नकल, नाम है चैथेमेलस। तो आप देखें इसकी ट्रिक आप समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन डोमिनेंट थे कौन लार्जर है, तो बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो आप बेलिनस जो है वो बड़े आकार के थे, डोमिनेंट थे, चैथेमेलस छोटे स्मॉलर साइज के, तो जो छोटे हैं उनको निपटना ही पड़ेगा। तो बेलिनस बल्ले बल्ले कर रहे थे और चैथेमेलस के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। तो इस तरीके से चिथड़े किसके उड़ गए, जो स्मॉलर था जो डोमिनेंट नहीं था, और बल्ले बल्ले कौन कर रहा था, जो डोमिनेंट था, प्रभावी जो था। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन का कंसेप्ट है, उसकी वजह से एक हट गया एक रहा। अब कौन से युग में जीवन अवधि के संदर्भ में असमान है, यानी कि अनमैच्ड लाइफ स्पैन के संदर्भ में कौन सा अनमैच्ड है। ओके, तो इसमें एक पूरा टेबल दे रखी है किस तरीके से रहेगा। ड्रोसोफिला 2 वीक्स होता है, बिल्कुल होता है, क्रोकोडाइल होता है, रोज में 25 ईयर्स नहीं होते, इसमें होता है 5 to 7 ईयर्स। ओके, इसलिए गलत हो गया, राइस में इतना टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है। तो अनमैच कौन सा हो गया, थर्ड वाला जो है वो अनमैच्ड हो गया। ओके, मैं आपको बता दूं कि क्रोकोडाइल का भी सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने सुना होगा हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो आपने देखा होगा कि जो हाथी है घोड़ा है और पालकी तो नहीं है, यहाँ मगरमच्छ है, तो इनकी एज जो है अपने आसपास ही, आजकल ह्यूमन बींग की एज भी 60-70 मानते हैं, ज़्यादा नहीं मानते हैं। ओके, इसका भी कितना होगा, 60 से लेके लगभग 80, एंड देन घोड़ा भी 60, मगरमच्छ भी 60 ईयर्स है। तो इसमें ये होगा कि आपने सुना है, तो उसको फिर से रिपीट कर दें कि हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पे बोलना है कि हाथी घोड़ा मगरमच्छ। ओके, नेक्स्ट, द्वार कोशिकाएं जो हैं, यानी कि गार्ड सेल जो हैं, आपने पढ़ा हो गार्ड सेल में, इस तरीके से यहाँ पर ये गार्ड सेल है और इसके बाजू में जो सेल दूसरी सेल होती है, तो ये द्वार कोशिकाएं हैं, गार्ड सेल हैं। तो इसी में क्या है, पोटेशियम यहाँ पर आ जाते हैं, और जब पोटेशियम आयन यहाँ पर आ जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि ये ऑस्मोलाइट्स हैं, यानी कि ओपी को बढ़ा देंगे, वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम अंदर आएंगे, ओपी बढ़ जाएगा और वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाता है। देखते हैं क्या होगा। तो वाटर पोटेंशियल संदर्भ में पूछ रहे हैं, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वाटर पोटेंशियल हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया, ये सही है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया, लॉस ऑफ प्रेजिट्री तो नहीं होगा, एग्जोस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि एंडोस्मोसिस होगा, इसके बाद पानी अंदर आता है, ठीक है, ये क्या होगा, इसमें जल विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, NH3 के एक अणु के निर्माण के लिए जब आप नाइट्रिन फिक्सेशन पढ़ते हैं, उसमें अमोनिया बनता है, और अमोनिया आगे जाके उसका क्या होगा, उसका आपने पढ़ा होगा रिडक्टिव एमिनेशन। ओके, तो उसमें क्या होता है, कितने, एक अमोनिया बनने में वैसे तो N2 से नाइट्रिन फिक्सेशन के दौरान जो है कितने मॉलिक्यूल बनते हैं अमोनिया के, यहाँ पर बनते हैं 2 मॉलिक्यूल, कितने बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ओके, तो इसमें लगते हैं 16 ATP, कितने लगते हैं 16, ठीक है। तो पूछ रहे हैं एक मॉलिक्यूल के लिए कितने लगेंगे, तो कितने हो गए आएंगे, 8, ऐसे हो गया है ना, 1 मॉलिक्यूल के लिए 8, 2 के लिए 16, 3 के लिए तो 24 हो जाएगा, 4 के लिए कितना होगा, मतलब आपको 8 की टेबल आना चाहिए, 8 का पहाड़ा आता है तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत हो गया। तो इसमें 1 मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया है, 8 ATP। बायवी SIGV नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, अब देखिए इसमें एरोबिक भी होना चाहिए और नॉन सिम्बायोटिक होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि राइजोबियम तो सिम्बायोटिक होता है, इसलिए ये गया नॉन सिम्बायोटिक। एजेटोबैक्टर जो है एरोबिक भी है, आपने सुना होगा कि विजयरंखिया है ना, ये दोनों ही फ्री लिविंग है और एरोबिक हैं। तो आपको याद कैसे रखना है भाई, एजो
बीजे, मतलब राजस्थान में बहुत सारे बिजरानिया जी हैं, तो उसे बोलना कि बीज रेंकिया, बिजरानिया, बीज रेंकिया। ओके, ए जो बीज रेंक बिजरानिया जी हैं, सांस सांस लेंगे कि लेंगे, तो एरोबिक हो गए, तो ये आपका हो गया। ओके, मिथाइलोमोनास तो नहीं हो सकता है, एंड द क्लोस्ट्रिडियम तो है लेकिन वो कैसा है, एनारोबिक है, एरोबिक नहीं है। ओके, ये आपका फिजियोलॉजी से आपका हो गया। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में जब आप पढ़ेंगे डायग्राम में, सिंपल सा है, जायगोट डिवाइड होता तो दे दनादन टू सेल, फोर सेल, फोर देन एट देन 16, है ना, 32, इस तरह की डिवाइड होता है। तो उसमें क्या है, जियो जी भर के जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ होती है यहाँ पर, यहाँ पे कौन सी होती है, जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है, जिसे कहते हैं हम ज्यामितीय अवस्था। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अर्थमेटिक होती है। कौन सी होती है, अर्थमेटिक ग्रोथ होती है, यानी कि अंक गढ़ती प्रवस्था। तो आपका क्या होगा, पहले में जियोमेट्रिक, बी जो है ऑप्शन वो क्या है, वो अर्थमेटिक का है, तो आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, एक ग्लूकोज के अणु के संदर्भ में क्रैब साइकिल में NADH2 और FADH2 का क्या अनुपात होता है, उत्पादित होते हैं, यानी कि वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है क्रैब साइकिल में जाएगा तो कितने NADH2 बनेंगे, कितने FADH2। तो मैं बता दूं क्रैब साइकिल, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्रैब साइकिल की हम बात करेंगे तो 3 NADH2, 1 FADH2, FADH2, ओके, एंड 1 ATP, ये है आपका, ये किसका बता रहे हैं अपन, क्रैब साइकिल का, है ना। अगर हम पाइरूवेट से पूछते हैं, किससे पूछते हैं, पाइरूवेट से पूछते हैं तो यहाँ पे हो गया 4 NADH2, जो इक्वेशन दे रखी है, 1 FADH2 और 1 ATP। ओके, तो इसमें क्या है, रेशियो पूछ रहे हैं किस तरीके से रहेगा, तो इसमें कितना आ जाएगा, वन मॉलिक्यूल से तो क्या आपका होगा कि ये तो भाई एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट बनते हैं, तो ये तो 1 पाइरूवेट से आ गया, तो 2 पाइरूवेट से डबल हो जाएगा, है ना। तो रेशियो पूछ रहा है, रेशियो तो यहीं से निकल के आ जाएगा, कितने NADH2 देखो आप, 3 NADH2 एंड 1 FADH2 हो गया। ओके, नेक्स्ट, अब ये फिर से आ गया क्रैब साइकिल में नेट गेन क्या क्या होता है। क्रैब साइकिल में अभी हमने बताया आपको, क्रैब साइकिल में कितने होते हैं, 3 NADH2 होते हैं, 1 FADH2 होता है और 1 ATP होता है। तो ये सीधे मगिंग वाले हैं, डायरेक्ट देखें आंसर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से यहाँ पर फिजियोलॉजी से आ गया है। ओके, नाउ सी, कह रहे हैं कि C3 और C4 जो साइकिल्स होती हैं उसमें प्रथम ग्राही और प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होंगे, मीन्स फर्स्ट एक्सेप्टर एंड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होंगे इन C4 एंड C3। तो यदि हम बात करें C4 प्लांट्स की, ओके, तो C4 प्लांट्स में क्या होता है कि यहाँ पर पैप होता है, पैप पकड़ेगा CO2 को एंड देन ये बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, OAA, तो ये कितना कंपाउंड हो गया, 4। तो इसमें पैप कितना होता है, तो जो ग्रहण करता है वो, यानी एक्सेप्ट करता है, वो 3C है, और जो बनता है फर्स्ट स्टिल कंपाउंड जो है वो 4C है। किस प्लांट में, C4 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर CO2 है प्लस इसको पकड़ते हैं कौन, RUBP। ओके, RUBP 5N कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, किसके, 3BGA के, कितने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3BGA। ओके, तो ये फास्फोग्लिस्टिक एसिड कहते हैं, इन कितने कार्बन कंपाउंड है, ये 3 है, और ये कितना है, एक्सेप्टर। C3 प्लांट्स के लिए 5C एक्सेप्टर है और फर्स्ट कंपाउंड जो है वो 3C है। तो ऐसे आपको चूज करना है तो आपको दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट चले, प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्निक कंपाउंड है कि इनऑर्निक है, तो बेसिकली ये ऑर्निक कंपाउंड होते हैं। ओके, एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स इनको कैसे अलग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो एपो एंजाइम है, जो मेन प्रोटीन पार्ट होता है, उससे टाइटली बाउंड होते हैं। कैसे बाउंड होते हैं, ये टाइटली बाउंड, ये क्वेश्चन यहाँ से खूब आता है एकदम से, टाइटली बाउंड होते हैं किससे, एपो एंजाइम से। ओके, तो ये आपका हो गया, कार्बनिक यौगिक हैं और एपो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है, एक पॉलीसेक्राइड श्रृंखला है जैसे कि ग्लाइकोजन में है, इसमें दायां सिरा कैसा होगा और बायां सिरा कैसा, तो इधर की हम बात करें दायां सिरा, इधर की बात करें तो बायां सिरा। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि पॉलीसेक्राइड चेन में, लाइक ग्लाइकोजन में, राइट हैंडेड जो है वो कैसा होगा और लेफ्ट हैंडेड कैसा होगा, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का नॉन रिड्यूसिंग होगा और राइट हैंड साइड का कैसा होगा, रिड्यूसिंग होगा, ठीक है।
तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, ओके, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। नेक्स्ट आपका है ये देखिए, अब इसमें देखना है कि एक मैचिंग करनी है, मैचिंग मिलान करना है रिगार्डिंग द एवरेज पर कंपोजिशन ऑफ द सेल, ओके, किसमें कितना होता है क्या नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ सेल में सबसे ज़्यादा होता है पानी, ओके, तो वाटर की हम बात करें तो वाटर सबसे ज़्यादा होगा, तो मतलब ये हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद हम बात करें, उसके नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाएगा, आपके आयन सबसे कम होते हैं, आयन सबसे कम तो कितना होगा 1% का लिखा है, ये देखिए। अब इसे ही आप मैचिंग कर सकते हैं कि बी का आपका जो जो सिक्स है इसमें बी कौन सा आ रहा है, देखो बी एक ही में आ रहा है, देखो ये वाला, ये देखिए एक सिंपल सा है, बाकी सब तो देखिए यहाँ कॉमन भी हैं, 2, 2, 3, 3, 3, तो सबसे कम क्या होंगे आयन्स होंगे, बाकी आप मैच कर सकते हैं इजी वे में, कोई इशू नहीं है, ओके। नेक्स्ट, कौन सा कथन डीएनए की द्विकंडली संरचना में संबंधित है, यानी कि स्टेटमेंट विच इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ओके। तो डबल हेलिक्स डीएनए में देखते हैं, तो हेलिक्स में क्या होता है, एक जो स्पाइरल टर्न होता है, एक टर्न जो होता है डीएनए में, ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है, यस 34 एंगस्ट्रॉम होता है, यसी को हम बोलते हैं 34 एंगस्ट्रॉम कहें या को 3.4 NM भी कह सकते हैं, ओके। डायमीटर कितना होता है 20, बिल्कुल सही बात है, तो ये दोनों तो सही हो गए स्टेटमेंट। डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, दो के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही है, या इसको हम 0.34 NM भी कह सकते हैं। द टू एडजेसेंट शुगर मॉलिक्यूल्स जॉइंट विथ फास्फेट बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नो, तो जो फास्फेट जो होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा नहीं जुड़ते हैं, वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ेंगे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा होते हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो कौन सा सही हो गया, 1, 2, 3, 1, 2, 3, डन, ये आपका हो गया, क्योंकि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होते, इसलिए फोर्थ वाला गलत हो गया, बाकी ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉलम दे रखा है इन्होंने, मिलान करना है किस तरीके से क्या है, ओके, तो आपका देखें जैसे ये लिखा है एम्पिसिलिन आर लिखा है, रेजिस्टेंट लिखा है, ओके, तो ये क्या है कि ये मार्कर है, सेलेक्टिव मार्कर कहते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं ना कॉलोनी, जब हम देखते हैं कि कौन से रिकॉम्बिनेंट है नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो उसमें इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये सेलेक्टिव मार्कर हो गया। जो मैक्रोमालिक्यूल का सेपरेशन करना है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी ही पड़ेगी, ओके, ये आ गया हिंडी थ्री, ये किससे मिलता है, ये आपका हीमोफिलिस, किससे मिलता है, ये हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा से है। PBR 322 ये क्या है, ये आपका आर्टिफिशियल प्लाज्मिट हो गया, ओके, इस तरीके से मैचिंग करनी है, हो गया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दौरान आपको डीएनए का सूक्ष्म खंड आपको कहाँ सॉरी, तो इसमें क्या है कि जो आप जैसे आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वेल, तो यहाँ आप अपलोड कर देते हैं डीएनए को, तो डीएनए जो है कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना, तो निगेटिव चार्ज दूर भागेगा, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है कि डीएनए कहाँ की तरफ जाता है, तो इसको जो प्लस चार्ज है ना उसको बोलते हैं एनोड। वैसे आप डीएनए के संदर्भ में आप देख सकते हैं डीएनए अपने आप में बहुत कुछ कहता है, डी मतलब कहता है कि हम डबल स्टैंडर्ड हैं, एन मतलब कहता है कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और ए मतलब कहता है कि हम एसिडिक हैं और हम एनोड की तरफ जाएंगे, कहाँ की तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। इसमें एक सिंपल सी कहानी ये भी बन जाएगी कि जो बड़े स्टैंड है वो यहाँ पर रहेंगे, छोटे और छोटे और छोटे, तो अपना तो इसमें यही पूछ रहे हैं सबसे छोटे वाले कहाँ रहेंगे, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक हैवी वेट का बंदा है, थोड़ा सा तोंद उसकी निकली हुई है, और एक छोटा सा बच्चा है, उन्होंने कहा दौड़ लगाओ, तो छोटा बच्चा दौड़ लगा देगा टुई टुई बहुत तेज भागेगा, तो पहुंच जाएगा यहाँ तक, तो कहाँ की तरफ जाएगा वो, प्लस की तरफ, एनोड की तरफ, स्मॉल फ्रैगमेंट, ओके, और बेल की तरफ कौन से होंगे, लार्जर फ्रैगमेंट, ओके, तो यही पूछ रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट है वो कहाँ की तरफ रहेगा, नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ओके, यानी वेल से दूर रहेगा, बिल्कुल दूर रहेगा, तो वेल से सबसे दूर रहेगा और धनात्मक के पास रहेगा, तो ये आपका यही ऑप्शन हो गया, ओके। नेक्स्ट, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा जीवाणु में मानव प्रोटीन का उत्पादन इसलिए संभव है क्योंकि, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन क्यों संभव है, भैया आपने जेनेटिक कोड पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल, यानी सब में सेम ही रहता है, जो कोडोन्स जो होते हैं वो किस अमीनो एसिड को कोड करेंगे ये यूनिवर्सल होता है ना, सबके लिए एक जैसा होता है, तो उस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए
The bacterial cell can carry out the RNA splicing. नहीं, बैक्टीरिया में स्प्लाइसिंग नहीं होती है. The human chromosome can replicate in bacterial cell. ना, क्रोमोजोम replicate नहीं होता. The mechanism of gene regulation is identical to the identical नहीं होती, एक समान नहीं होती है. क्या जीन नियंत्रण क्रियाविधि मानव और जीवाणु एक जैसी होती है? ना, एक जैसी नहीं होती है. तो जेनेटिक कोड कैसा होता है? सर्वव्यापी होता है, यूनिवर्सल होता है. इस तरीके से हम मानव के जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के अंदर बना सकते हैं. ह्यूमिलिन का आपने नाम सुना होगा. पॉलीमोनियल्स के आधार पर सोलनेसी और कॉलमुलेसी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है. फ्लोरल करेक्टर के बेसिस पर इन दोनों को एक ही ऑर्डर में रखा गया था. चूंकि पॉलीमोनियल्स में किस, ठीक है, सोलनेसी और किसको, कॉलमुलेसी. किसके आधार पर? पुष्पीय लक्षणों के आधार पर, फ्लोरल करेक्टर के बेसिस पर लिया गया था. नेक्स्ट है, अब इसमें है कि प्राणी स्तनधारक कुत्ता, यानी कि एनिमल्स, डॉग एंड मैमल्स, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओके, जैसे आप पढ़ते हैं कि किंगडम है, फाइलम है ना, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है ना, जीनस है, स्पीसीज है. तो आपने इसे पढ़ा होगा कि केडी को फिर से जीन्स पहनना पड़ेगा, केडी को फिर से क्या पहनना पड़ेगा, जीन्स पहनना पड़ेगा. ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं. हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर कुलदीप द्विवेदी, वो जीन्स कम पहने थे. मैंने कहा नहीं भाई द्विवेदी जी, कुलदीप द्विवेदी, केडी को फिर से जीन्स पहनना पड़ेगा. तो ये जो है डिवीजन का है, यासी को बोलते हैं फाइलम. ओके, अब इसमें देखिए आप, ये बच्चों को अक्सर छोटे छोटे चीज़ें हैं लेकिन कन्फ्यूजन हुआ करता है. सिंपल सा है आंसर, देखिए किस तरीके से रहेगा इसमें. तो इसमें आपका एनिमल्स, ओके, तो प्लांटी है, एनिमल्स हैं, किस तरीके से रहेगा? तो आपका हो गया, आपका एनिमल्स हो जाएगा किंगडम. ओके, डॉग्स एंड मैमल्स, ठीक है, तो मैमल्स क्या है, इनकी क्लास हो गया. डॉग्स कहाँ पे आएंगे? डॉग्स तो यहाँ पे आ जाएंगे. तो अब ये क्या है, ये सब डिफरेंट टैक्सा है, ये सब क्या है, डिफरेंट टैक्सा है, डिफरेंट कैटेगरी के, अलग कैटेगरी पे हैं. तो ये क्या होगा, टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, ये क्या हो गए, टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, ठीक है, डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल. लेवल अलग अलग हो गया, कोई किंगडम लेवल पर है, कोई जीनस पर है, कोई क्लास में है. तो इस तरीके से आपका हो गया, है ना, डॉग्स है. ओके, मैमिलिया. निम्न में से कौन सा लैंगिक बीजाणु है? विच इज द फॉलोइंग इज सेक्सुअल स्पोर्ट की बात कर रहे हैं. ओके, तो कॉनिडिया जो होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, स्पोरेंजिया भी एसेक्सुअल होते हैं, जूस्पोर भी एसेक्सुअल होते हैं. तो कौन सा बचा, एस्कोस्पोर, एन होते हैं, ये सभी एन होते हैं, लेकिन ये एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है. ऐसी बेसिड स्पोर भी सेक्सुअल स्पोर है. अंतर दोनों में ये है कि एस्कोस्पोर अंदर बनते हैं और बेसिडियो स्पोर्ट्स बाहर बनते हैं. तो एस्कोस्पोर में सेक्सुअल स्पोर्स है. ओके, पीएसटीडी मतलब पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ये आपका किसके कारण होती है, वायरॉइड के कारण होती है. टी ओ डाइनर कंसेप्ट उन्होंने पढ़ा हो, 1971 उन्होंने देखा था. मैनिटॉल एक संचित भोजन है. मैनिटॉल की जब हम बात करते हैं तो मैनिटॉल एक्चुअली ब्राउन एल्गी में होता है, भूरे सहवाल में होता है. ओके, तो मैनिटॉल की हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ होगा, कारा, कारा तो ग्रीन एल्गी है, इसमें तो नहीं होगा. पोरफायरा, पोरफायरा ये भी आपका, ये रेड एल्गी है, इसमें भी नहीं होगा. फ्यूकस ये आपका ब्राउन एल्गी, इसमें होगा. ग्रेसिलेरिया ये भी रेड एल्गी है, इसमें भी नहीं होगा. तो किसमें आ जाएगा आपका, फ्यूकस. ओके, ये आपका नेक्स्ट आपका है, समबीजाणु उपस्थिति वाले समूह को पहचानी है. पिक द करेक्ट ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ होमोस्पोरी. तो मैं आपको बता दूं ये होमोस्पोरी, हिट्रोस्पोरी, डायरेक्ट हिट्रोस्पोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है, टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुई है. दो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं, स्लेजनेला और साल्विनिया. ओके, वैसे तो एजोला है, मार्सिलिया और भी है, लेकिन आपको एनसीईआरटी पकड़नी है. एनसीईआरटी में दो ही एग्जांपल दे रखे हैं हिट्रोस्पोरी के. ओके, इसका मतलब स्लेजनेला इसमें तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हिट्रोस्पोरी होती है. साल्विनिया इसमें भी हिट्रोस्पोरी होती है, ये भी नहीं हो सकते. साल्विनिया भी यहाँ पे भी दे रखा है. तो कौन सा बचा आपका, टेरिस और एडियंटम. एडियंटम और टेरिस दोनों में ही होमोस्पोरी होती है, यानी कि ये एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं, समान प्रकार के. ठीक है, कथनों को पढ़ना है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कथन पढ़िए, बताइए कैसे हैं, सही है, कौन से गलत हैं, ये देखना है. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं वो, कौन सा ट्रू है, कौन सा सत्य है. टिपिकल लीफ जो होती है, 3 मेन पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं. ये लीफ बेस हो गया, ये आपका पेटियोल हो गया, एंड देन इसको लैमला बोलते हैं. तो 3 पार्ट होते हैं, सही है. सिंपल लीफ इंसिजन टच टू द मेटेरियल, नहीं टच नहीं करती है,
मिड रिप को टच हो नहीं करती है, वो पिनेटली कंपाउंड या कंपाउंड लीफ में होता है, पिनेटली या पामेटली कुछ भी, इसलिए गलत हो गया। चाइना रोज इन गुआ अल्टरनेट, नहीं इसमें तो अल्टरनेट होती है लेकिन गुआ में अल्टरनेट नहीं होते, एकांतर क्रम में नहीं होते, गुआ पत्ती देखेंगे ऐसे लग रहती है यानी कि अपोजिट होती हैं। ओके तो ये आपका गलत हो गया। कुकुम्बर एंड मस्टर्ड हैव इन्फीरियर ओवरी, कुकुम्बर में तो होती है लेकिन मस्टर्ड में ओवरी सुपीरियर होती है ना, इसलिए खीरा में तो सही है लेकिन सरसों में ये अधोवर्ती नहीं होती, ऊर्ध्ववर्ती होती है। ओके पी गुलमोहर है जैगमोहर फ्लावर, बिल्कुल है पी और इन दोनों में, तो कौन कौन सही हो गया आपके, कितने स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला, यानी दो स्टेटमेंट आपके ठीक है बाकी तीन गलत है। ओके फिर से मिलान आ गया, मोनोडेल्फस एक संगी द्वि संगी बहुसंगी संयुक्त दली, ये सब एनसीईआरटी की सीधी लाइंस हैं, आपका याद है तो सीधा टिक कर दो। ओके मोनोएडल्फस कंडीशन, ओके ये होती काय में चाइना रोज एक संगी, यानी कि जो आपके जो स्टेमन्स हैं वो कितने बंडल बना रहे हैं, एक बंडल दो बंडल तीन बंडल, एक बंडल बना रहे हैं जुड़ करके, एक बंडल बना रहे हैं तो मोनोएडल्फस, दो बंडल बना रहे हैं डाईएडल्फस, बहुत सारे बंडल बना रहे हैं पॉलीएडल्फस, तो ये आपका हो गया। डाईएडल्फस आपका पी में दिखेगी, आपका इसमें होता है नाइन एक साथ रहते हैं और एक अलग रहता है, पॉलीएडल्फस सिट्रस में आपको दिखेगा गैमोपेटली कंडीशन, ओके असुगंधा में आपको दिख जाएगा, तो इस तरीके से आपका हो गया। स्तंभ वन फिर से मिलान करना, मैच द कॉलम क्वेश्चन डायरेक्ट है, सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, सिंपल टिश्यूज जो है केवल एक ही तरह से, आपने कहा पेरेन्काइमा तो वो पेरेन्काइमेटस, टस लगाना पड़ेगा, पेरेन्काइमेटस सेल से बने होते हैं, कॉलेनकाइमा कॉलेनकाइमेटस सेल से, स्केलेनकाइमा स्केलेनकाइमेटस सेल से धड़ों तक है ना मृदु तक, तो ये सब एक ही तरह सेल से बने होते हैं, तो सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम फ्लोएम, जाइलम में ट्रैकेड वेसल्स होते हैं, तो अलग अलग तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ओके एंडार कंडीशन क्या होती है, एंडार कंडीशन होती है स्टेम में, कहाँ होती है स्टेम में होती है, जिसमें कि देखते हैं ये आपका पेरिसाइकिल होगी, तो इसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर की तरफ होता है, कहाँ की तरफ होता है सेंटर की तरफ, तो इसमें क्या लिखा है प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ सेंटर की तरफ, एक्जार कहाँ होती है रूट में होती है, इसमें प्रोटोजाइलम होता है बाहर की ओर, तो ये क्या हो गया टुवर्ड्स पेरिफेरी या आउटर साइड। ओके इस तरीके से आपका हो गया। निम्न कथनों को पढ़िए, फिर से पढ़ना है स्टेटमेंट पढ़ना है कि जो अधस्त त्वचा किसके संदर्भ में बात करनी है, ट्रू फॉर मोनोकॉट, यहाँ देखना है पहले मोनोकॉट के संदर्भ में, एक बीज पत्री के संदर्भ में देखना है कि कितने कथन जो है वो सही हैं। ओके तो इसमें क्या हाइपोडर्मिस स्केलेनकाइमा की बनी होती है, यस स्केलेनकाइमा की हाइपोडर्मिस होती है। ओके वैस्कुलर बंडल सराउंडेड कॉलेनकाइमा, ना यहाँ कॉलेनकाइमा नहीं है, यहाँ होना चाहिए था क्या स्केलेनकाइमा, यानी कि स्केलेनकाइमा होना चाहिए था स्थूल कोणों तक, ठीक है स्थूल कोण तक ऑथर नहीं होती, क्या होना चाहिए था ये होना चाहिए था स्केलेनकाइमा, तो इसलिए गलत हो गया। भरण ऊतक स्पष्ट होता है, अस्पष्ट नहीं होता स्पष्ट होता है, इनकॉन्सिपिकस नहीं होता कॉन्सिपिकस होता है। ओके फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होती है, नहीं मोनोकॉट में जनरली फ्लोएम पेरेन्काइमा अब्सेंट होती है, इसलिए ये गलत हो गया। तो कितने गलत हो गए आपके, देखो ये भी गलत हो गया, ये तीन गलत हो गए, तो कितने स्टेटमेंट सही है, केवल एक सही है। निम्न कथनों को पढ़िए, फिर से रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बोल रहे हैं कि किसने जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्लूड इन नेचर। ओके मोजेक फ्लूड मोजेक मॉडल आपने पढ़ा हो, सिंगर एंड निकोलसन 1972, ऐसा क्यों है वो ये पूछ रहे हैं, है ना, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि ये सेल ग्रोथ होती है, यस फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन सीक्रेशन एंडोसाइटोस सेल डिवीजन, जितनी भी चीज़ें हैं अगर वो फ्लूड नहीं होती तो फिर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, फ्लूड है इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें कितनी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, सभी हो गया, देखो एक दो तीन चार और पाँच सभी के सभी हो जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म विकाया पाई जाती है माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज कहाँ होती हैं, प्लांट्स में होती है एनिमल में होती है दोनों में होती है, दोनों में होती है प्लांट्स में भी होती है और एनिमल में भी होती है, ठीक है। दे कंटेन वेरियस एंजाइम्स लाइक आपने सुनाओ पेरोक्सिसोम लाइसोसोम ग्लाइसोसोम, ये सब सूक्ष्म का है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, कैसी होती है एकल झिल्ली द्वारा स्तरित, तो ये आपका हो गया। तो इसमें क्या है कहाँ पाई जाती है, दोनों में होते हैं प्लांट्स में भी होगी, और एक एनसीईआरटी की लास्ट सेल बायोलॉजी में सेल जो द सेल चैप्टर है उसकी लास्ट लाइन पढ़ोगे, तीन लाइन है उसी से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। ओके
अब मिलान करना है किसने कब कौन सा काम किया था, तो आपको बताया कि रॉबर्ट ब्राउन 1830, सिंगल निकोलसन, ओके। अब जॉर्ज पैलेडी ने 1953 में राइबोसोम के बारे में बात की थी, कैमिली गोल्जी ने 1898 में गोल्जी बॉडी के बारे में बात की थी, तो ये मैचिंग वाला है, तो मैचिंग मैचिंग करनी है और ठीक है हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एक कोष के जीव अमर हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर इमोर्टल। इमोर्टल क्यों है, क्योंकि इनका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होता, अपने साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, क्लोरोप्लास्ट, जैसे प्लांट्स की बात करें क्लोरोप्लास्ट अलग है, गोल्जी बॉडी, ये सब चीज़। तो ये सेंस हमारा बताने का है कि जहाँ पे इनका सिंपल सा रहता है कंसेप्ट, जिसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो क्या हो गया, क्या इनका डिफरेंशिएशन होता साइटोप्लाज्म का, नहीं डिफरेंशिएशन नहीं होता, अब सेंस ऑफ लिखा है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स तो होती नहीं है, तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं है, ओके, ये आपका हो गया। संकर बीजों को दर बदर उत्पादन करना होता है, हाइब्रिड सीड दे हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर, हर बार हर साल आपको इसको बनाना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, कैरेक्टर जो होते हैं उनका सेग्रीगेशन बहुत तेजी से होता है, पृथककरण, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने पढ़ा हो मेंडल्स का, तो जो करेक्टर होते हैं वो अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, सेग्रीगेट, पृथक पृथक हो जाते हैं, पृथककरण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ लागू होता है, इसलिए इनको हर साल हर वर्ष आपको मतलब इनको प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, ओके। सो हाइब्रिड प्लांट बिकम स्ट्राइल, स्ट्राइल तो नहीं होते हैं, फर्टाइल होते हैं, दे सो मोर हेट्रोसिस कमिंग ईयर, कमिंग ईयर नहीं है, हेट्रोसिस तो होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि अगली बार आप करेंगे तो फिर में हेट्रोसिस का कंसेप्ट फेल हो जाता है, इसलिए कमिंग ईयर नहीं होगा। हाइब्रिड विगोर इज नॉट मेंटेन बियॉन्ड वन जनरेशन एज सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स बिगन, ये आ गया, क्योंकि सेग्रीगेशन हो जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करते हैं, इसलिए वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जीन का पृथक्करण हो जाता है, इसलिए वो जो है जो ओज, संकर ओज है उसको मेंटेन बाद में वो नहीं मेंटेन कर पाते, यानी नहीं बने रह पाते, इस चक्कर में वो गड़बड़ हो जाता है, यही आपका आंसर हो गया। हाइब्रिड इंडस्ट्री जो है बढ़ा रही है ऐसा कुछ ना, वो तो हालांकि महंगे होते हैं लेकिन क्यों इसको एवरी ईयर प्रोडक्शन करना है, इसलिए करना है, ओके। गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड होमो कैमस मेजरिंग, इसमें क्या है कि इसमें आपको क्या देखते हैं, कॉन्ट्रीवेंसेस देखना है, ओके। कॉन्ट्रीवेंस मतलब कौन कौन सी युक्तियाँ हैं जो प्लांट्स अपनाते हैं जिससे कि वो चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो, उसके लिए, ओके। ये अब ये स्टेटमेंट देखना पड़ेगा कि ये किसके लिए आपको देखने हैं, क्या ऑटोगैमी के लिए हैं, क्या वो एलोगैमो के लिए है, जीनोगैमी के लिए है, कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ओके। वैसे तो ये सब चीज़ें तो लगभग एक जैसी हो गई, तो बचा क्या है, ऑटोगैमी, इससे भी ऐसे निकाल सकते हैं, फिर भी देखते हैं एक बार कि फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है, होमोगेमस है, मतलब सेम टाइम पर इनका मैच्योरिटी हो रही है, सब कुछ सेम है, नहीं मैच्योरिंग द एंथर एंड स्टिग्मा फ्लावर एट द सेम टाइम, अगर तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑटोगैमी को, ओके। मेटल डिवाइस ब्रिंगिंग एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज टू इच अदर, तो जो चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं उनमें बता रहे हैं कि पास पास रहेंगे आपका एंथर और स्टिग्मा, तो ईजी रहेगा पॉलिगन को वहाँ पर जाना, ये भी ऑटोगैमी ग्रुप बता रहे हैं। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी क्या होते हैं कि ऐसे फ्लावर जो कभी खुलते ही नहीं हैं, ओके, इन्हें कहते हैं क्या, अनुन्मील, जो हमेशा कैसे रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं, रिमेन क्लोज्ड, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है ना, ये भी ऑटोगैमी होगी इसमें। एंथर स्टिग्मा ऑफ इंटरसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर्ड इन बड कंडीशन, यानी बड कंडीशन में, यानी कि फ्लावर बन नहीं पाया उससे पहले ही ये काम तमाम हो गया इनका, वहीं पे इनका पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। इसमें जो है ये सभी के सभी ऑटोगैमी को, या हम कहें स्वयुग्मन के बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 189, जिसमें बता रहे हैं कि जो फीमेल प्लांट है वो कैसा है, डिप्लॉयड है, और मेल प्लांट कैसा है, टेट्राप्लॉयड है, ओके। तो फीमेल प्लांट, तो फीमेल प्लांट जो है ये आपका हो गया, फीमेल प्लांट जनरली कैसे हो, 2n होते हैं, 2n इक्वल टू कितना है, डिप्लॉयड है, 2n इक्वल टू 2n ही होगा, ओके। मेल प्लांट कितना होगा, टेट्राप्लॉयड है, यानी कि 2n इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ओके। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा पहले, है ना। तो मेल की अगर हम बात करें तो मेल में n इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, n इक्वल टू हो जाएगा 2, और फीमेल में वो तो एक ही रहेगा, है ना। अब अगर हम इसको कोऑर्डिनेट करें एग से, जैसे कि यहाँ पे हम मान के चलें कि ये आपका एग है, ठीक है,
तो ये एन इज इक्वल टू तो बना ही रहेगा ना यहाँ पे, ओके। और यहाँ पर होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, दो पोलर न्यूक्लियाई जो है आपस में जुड़ जाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जितना ये तो जितना है उतना ही रहेगा, यहाँ पे 2n ही रहेगा, लेकिन इसका जो n है ना वो 2 रहेगा, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4n, तो जो एंडोस्पर्म बनेगा वो कितना होगा 4n होगा, और जो इसका एम्ब्रियो बनेगा क्योंकि n बराबर 2 है तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा जाएगा ऑर्डर, एम्ब्रियो कितना हो जाएगा 3, ओके। तो यही है, देखें अपन क्या क्या है इसमें, एम्ब्रियो कितना हो गया, एम्ब्रियो हो जाएगा 3n, और एंडोस्पर्म कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा। तो 3n 4n वाला देख लें कौन कौन से है, देखो 3n एम्ब्रियो 4n ये। अब इंटेगमेंट, इंटेगमेंट 2n होती है तो 2n ही रहेगी, ये फीमेल वाला है। एग कितना होगा n, ये भी n ठीक रहेगा। पॉलन ग्रेन 2n हो गया, ओके। एल्यूरल लेयर कितनी होगी, एल्यूरल लेयर जो है वो एंडोस्पर्म का पार्ट है, इसलिए वो जितना एंडोस्पर्म होगा उतना ही उसकी प्लॉयडी होती है, ओके। तो 4n इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ठीक रहेगा। एक प्रारंभिक भ्रूण कोष में 8 केंद्रकों में 6 तो जो है भित्ति द्वारा घिर जाते हैं, 2 केंद्रक क्या होता है, देखिए भाई 3 एंटोपोडल सेल ये केंद्रक घुड़ गए, 2 बीच में हैं ये वाले, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ओके। नेक्स्ट आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई टेक्निक जो है इसमें क्या करते हैं, जो नेमेटोड है वो उसको रोकने के लिए करते हैं, कैसे वो उनके अंदर जो प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो नेमेटोड मर जाएगा, तो ये क्या कर रहे हैं आरएनए तकनीक नेमेटोड को सुरक्षित रखने की विकसित की गई है। इसमें क्या है, नेमेटोड को एमआरएनए के पोषी पादप द्वारा उत्पादित और अवरोधित किया जाता है, यानी कि जीन साइलेंसिंग की हम बात करते हैं होस्ट प्लांट द्वारा कर देता है, किसका जीन साइलेंस कर देता है नेमेटोड का। कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपने सिंपल सा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है SiRNA, ओके, जीन साइलेंसिंग पढ़ते हैं, साइलेंस कर देता है जिससे कि नेमेटोड के अंदर प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा और नेमेटोड जो है वो मर जाएगा। ये कथन पढ़ना है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट करेक्ट वन, सही कथनों का चयन कीजिए, है ना। तो क्या PS1 इन्वॉल्व होता है नॉन साइक्लिक में, ओके देखते हैं। PS1 अचक्रिय, केवल अचक्रिय में नहीं होता, केवल की वजह से गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ पे इन्वॉल्व नॉन साइक्लिक ओनली लिखा है, तो ओनली के चक्कर में ये कहाँ से कैसा हो गया, गड़बड़ हो गया भाई, ओनली चक्कर में गड़बड़ हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्या है, PS2 जो है दोनों में होता है, नहीं PS2 जो है साइक्लिक में नहीं होता, नॉन साइक्लिक में होता है केवल, ओके। स्ट्रोमल लैमेलिन मेम्ब्रेन पर जैसे PS1 ओनली, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रोमल लैमेलिन जो होती है उसमें जैसे आपने पढ़ा होगा ना इस तरीके से, ये स्ट्रोमल लैमेलिन है तो इसमें तो केवल होता है, केवल और केवल क्या होता है PS1 होता है, ये ग्रेना लैमेलिन है इसमें PS2 भी होता है और PS1 भी होता है, तो यही बोल रहे हैं, तो ग्रेना में दोनों होते हैं, ग्रेना लैमेलिन में दोनों फोटो सिस्टम होते हैं, स्ट्रोमल लैमेलिन में केवल PS1 होता है। यहाँ क्वेश्चन और भी बन जाता है, कौन सा NADP रिडक्टेज नहीं होता है एंजाइम्स, है ना, फोटोलाइसिस वाटर नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। दिए गए चित्र का निरीक्षण करना है, ABCD पहचानना है आपको, एग्जामिन द फिगर एंड राइट ऑप्शन देखना है कि क्या क्या है ABCD, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि जो सी लिखा है ना, सी क्या है, PS2 है, है ना, ए क्या है, ये PS1 है, ओके, ये आपका थैलाकोइड के ल्यूमेन वाला पार्ट हो गया, है ना। डी क्या है, डी जो है ये F1 वाला पार्ट है, ATPase का F1 वाला पार्ट है, ये क्या हो गया आपका थैलाकोइड की इनर मेम्ब्रेन हो गई, थैलाकोइड की क्या हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड हो गई कि नहीं हो गई, ऑफ थैलाकोइड, ओके, तो ये आपका हो गया। तो देखा जाए तो ए क्या है, PS1 है, बी क्या है, इनर मेम्ब्रेन, डी क्या है, देखें यही आपका हो गया, ए क्या है, ए PS1 है, तो PS1 तो दो में लगा रखा है, बी क्या था, थैलाकोइड झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली हो जाएगी, और सी क्या है, PS2 है, बिल्कुल सही है, और ये वाला डी क्या है, F1 था ना, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ओके, तो ये हो गया। कौन से हार्मोन का उपयोग तने की कलम, जैसे तना है हमने उसको कट कर दिया, फिर उसको डिप करते हैं किसमें, ऑक्सीजन में नहीं होता, IA, IB, यही तो है आर्टिफिशियल है, तो डिप कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, रूटिंग हार्मोन, रूट डेवलप हो जाती है,
तो ये कह रहे हैं कि मूल निर्माण के लिए, रूट के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन हम यूज़ करेंगे, तो ये करेंगे हम IBA, है ना, ये आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स हैं, इनका यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट आपका है मिलान करना है कॉलम, फिर से वही मिलान वाली बात आ गई। ओके, बी डी साइड खरपतवार नासी कौन होता है 2,4-D। ओके, बोल्टिंग इफेक्ट, बोल्टिंग इफेक्ट जो है उसमें इंटरनोड है उसकी लंबाई 5-6 टाइम बढ़ जाती है, GA थ्रू के थ्रू होगा। थिनिंग ऑफ कॉटन विटलन किसके थ्रू होता है, इथाइलिन। लेटरल सूट ग्रोथ, सूट ग्रोथ किस कारण होती है, साइटोसूट, साइटोसूट। ओके, साइटो पार्ट्स भी प्रवृत्ति किसके कारण, तो ये आपका मैचिंग वाले हैं, तो मैचिंग का 2-3 भी आते हैं, तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया कि एस प्रवस्था में DNA का रेप्लिकेशन होता है, यस होता है, गुणसूत्र का भी होता है, बिल्कुल होता है। तो ये आपकी जो लाइन है NCERT की समरी में लिखी है, गुणसूत्र वाली मेन कंटेंट में लिखी, लेकिन समरी में लिखी है गुणसूत्र का रेप्लिकेशन होता है, तो ठीक है। तो एस पेज में दोनों का होता है, DNA का भी होता है और क्रोमोजोम का भी डुप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट आपका है कि G2 में कोशिका वृद्धि होती है, यस होती है, तो ये भी सही हो गया। समसूत्री में एक साथ नहीं जाते तारक का है, एक ही ध्रुव की ओर नहीं जाएंगे, यानी कि सेंटर मूव टू द सेम पोल नहीं जाते, इसलिए गलत हो गया। NFH2 में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोजोम जो है मूव इन द सेम पोल, ये भी सेम पोल नहीं होगा। तो कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो आपका एक तो ये सही हो गया, एक ये हो गया, तो कितने सही हो गया, केवल दो स्टेटमेंट कौन सा हो गया, आंसर 1। नेक्स्ट है कि दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था, द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन। तो मियोसिस में आप जानते हैं कि मियोसिस 1 होता है, उसके बाद देन कभी बाद में मियोसिस 2 होता है, इनके बीच में एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं इंटर काइनेसिस। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो एक मूवी में फर्स्ट पार्ट होता है, फिर इंटरवल होता है, तो कम समय के लिए होता है कि ज्यादा समय के लिए होता है, ये भी क्वेश्चन है। तो ये शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी कम समय के लिए होता है, कम अवधि के लिए होता है, ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इंटरकाइनेसिस होती है दोनों के बीच में, क्या इसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है, इसमें DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता। RNA बनता है, यस RNA बनेगा यहाँ पे। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, यस इंटरकाइनेसिस में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है ना। ये तो आउट ऑफ NCERT चल रहे हैं, ये तो NCERT लाइन है, क्या इंटरकाइनेसिस में DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता। ओके, बीजों और सूखी लकड़ियों के जल द्वारा अवशोषण, तो जब आपने देखा होगा कि जो पुराने जमाने में पत्थरों को तोड़ने के लिए लकड़ी भरते थे तो उसके ऊपर पानी डालते थे, तो इसमें प्रेशर डेवलप होता था, इम्बिबिशन। ओके, इम्बिबिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंतःशोषण, वो सोख लेते हैं, बरसात के दिनों में आपने देखा गेट जो है पानी सोख लेते हैं, फिर उनसे कहेंगे आप लग जाओ तो लगते नहीं, एकदम टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो रीजन क्या है, इम्बिबिशन, अंतःशोषण। और ये कैसी प्रोसेस है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए कैसी प्रोसेस है, इसमें एनर्जी नहीं लगती है, निष्क्रिय है, पैसिव प्रोसेस है। ओके, तो ये आपका इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएंगे 2 और 3, तो ये आपका ये। ओके, कथन को पढ़ना है, रीड द स्टेटमेंट। यंग रूट क्या पानी को डायरेक्टली अंदर ले जा सकती है, यस ले जा सकती है। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में हम देखेंगे तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, पानी का मूवमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें ये है लाइन, डायरेक्ट लाइन स्टेटमेंट है। ओके, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द फंगस, क्या वो साइकस के साथ बनाता है, नहीं साइकस के साथ नहीं बनता, माइकोराइजा जो है किसके साथ बनाता है एसोसिएशन, पाइनस के साथ। तो माइकोराइजा जो है साइकस की जड़ों में सहजीव संबंध स्थापित नहीं करता है। कोहिशन क्या होता है, म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको कोहिशन बोलते हैं, ठीक है। ससंजन बल, ये आपका पानी जो ऊपर जाता है तो ससंजन, कोहिशन, एडिशन फोर्स लगते हैं, असंजन और ससंजन बल लगते हैं। तो ससंजन कब लगेगा, जब सेम मॉलिक्यूल होने, यानी पानी। ओके, और एडिशन कब लगता है, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल हो। ओके, सिम्प्लास्टिक तंत्र संबंधित है, प्रोटोप्लास्ट का तंत्र है सिम्प्लास्टिक, बिल्कुल है, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट में, यानी एक सेल से दूसरी सेल कैसे कनेक्टेड होती है, सिम्प्लास्ट के माध्यम से होती है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही हो गए हैं, 1, 2 और 3। ओके, ये समझ में आया क्यों गलत हुआ, क्योंकि साइकस से नहीं करता, पाइनस से करता है। ओके,
पोरिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं लवक में, जीवाणु में, सूत्रकणिका, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, ऑल दी अबव। बिल्कुल सही बात है। पोरिन्स क्या होते हैं? दे आर द ह्यूज पोर्स, बड़े बड़े छिद्र होते हैं इनके माध्यम से। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो अब कहाँ पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें या क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें, तो ये आउटर मेम्ब्रेन पे होते हैं। ये पोरिन्स हैं, कहाँ पे होते हैं? ये आउटर मेम्ब्रेन, या हम उनको कहें बाहरी झिल्ली में होते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बाहरी झिल्ली पे होते हैं। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव। तो उसमें क्या होता है, इसमें एक लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, आपने पढ़ा था एलपीएस लेयर, यही तो है वो। फिर क्या है, सेल वाल, और फिर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो कि एलपीएस लेयर जो है उसमें भी पोरिन्स प्रोटीन पाई जाती है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन पर होते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। और इस तरीके से बॉटनी का ये जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। देखते रहिए दंगल, आगे भी चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।